निकाले जाने वाले नेता जिन्होंने पब्लिक का बहुत पैसा लूटा था। जी हाँ, हम इस देश के सबसे भ्रष्ट नेता धर्मराज की ही बात कर रहे हैं। उनके घर पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। इस पूरे कारनामे का लाइव टेलीकास्ट ये देखिए। कुछ ही दिनों में मेरा मंत्री पद मुझे वापस मिलने वाला था, ये रेड अपोजिशन ने करवाई है। ये उनकी साजिश है, मैं एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं। पूर्व मंत्री धर्मराज के घर के अलावा ये रेड 20 और जगहों पर मारी गई है, जहां उनके अन्य साथियों और हिस्सेदारों के रहने का अंदेशा है। अभी तक काफी मात्रा में सोना और कैश जब्त किए गए हैं। इन पैसों में विदेशी मुद्रा भी काफी मात्रा में पाई गई। लगता है कुछ ब्रेकिंग न्यूज मिली है, ये देखते हैं। कैमरामैन वहां पर जूम कीजिए। मंत्री जी की पत्नी ने एक आदमी को लैपटॉप दिया है, लैपटॉप लेकर के वो आदमी भाग रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट वाले उस आदमी का पीछा कर रहे हैं और उस आदमी ने ये लैपटॉप बाहर क्यों उछाल दिया? ऑटो 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 इडियट। बात आज से 5 साल पुरानी है। एक बार एक बालक मृत्यु की इच्छा के लिए मेरे पास आया। उसने कहा कि उसकी सहेली ने उसे छोड़ दिया है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर? वो क्या करे। ठीक है, वो सर। खुद को मार डालना चाहता सर, था। आता वो मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुका था। उसे लगा कि अब मैं इसे मार डालूंगा, छोड़ दो। क्या हुआ बेटा, किस लिए इतना गुस्सा? स्वामी जी, वो गुस्से में मुझे मारने आया। तुम्हें? जी स्वामी जी। लेकिन क्यों? वो मेरा बेटा है। तुम देख रहे हो ना, आज सुबह सही क्या चल रहा है? उस लैपटॉप को फेंकते हुए तो पूरे शहर ने देख लिया है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे थोड़ा नाराज है लगता है। उन सबको मैं देख लूंगा, लेकिन अभी एक नई मुसीबत आ गई है। अब क्या हो गया सर? खुद ही सुन लो। तुम्हारा 500 करोड़ का पैसा कौन से अकाउंट में है और किसके नाम पे है? बेनामी संपत्ति के पूरे डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल और अखी जानकारी जिस लैपटॉप में सेव है ना, वो इस समय मेरे हाथ में। कितने दिन तक मैं तुम्हारे काले धन को संभालता रहूंगा? तुमने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर अत्यारे आना चले हा? एक ईमानदार ऑडिटर बनके मैं क्या कर पाया जो अभी मैं काशी में ही हूँ। अभी के अभी 5 करोड़ कैश का इंतजाम करो, नहीं तो अभी के अभी लैपटॉप पुलिस के पास पहुँच जाएगा। 5 करोड़ के चक्कर में 500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कल तक पैसे दे देना। फोन रखता हूँ, बाद में फिर करूंगा। पूरे विश्वास के साथ मैंने उसे लैपटॉप दिया था, धोखा दिया गद्दार ने। मुझे क्या करना है ये बताइए, काशी में ही उसे उड़ा दूं क्या? हाँ मरवा दो, टुकड़े कर दो। तुम चुप रहो, मिनिस्टर लिस्ट में मेरा नाम है। इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऑडिटर मुथु कुमार को ये पैसे देकर वो लैपटॉप लेकर आ जाओ। सुनो। हाँ सर। वहाँ ट्रेन से जाना, वो हाँ। जैसे ही मुझे फोन करेगा मैं तुम्हें बताऊंगा उससे कहाँ मिला है। ठीक है सर। कभी काशी गए हो? नहीं सर। वो मेरी पहचान का एक कांस्टेबल है, वो काशी अच्छी तरह जानता है, भरोसे का आदमी है, उसे साथ लेकर जाना। ठीक है सर। देखो होशियार रहना, कोई गलती ना होने। ठीक है सर। कुछ साल पहले हमारे पास बहुत बड़ा घर हुआ करता था। जितनी भी जमीन और जायदाद मेरे दादा परदादा ने जोड़कर कमाई थी वो सब इन्होंने बिजनेस में गवा दी और फिर यहाँ आकर बाबा बन गए। बचपन से लेके आज तक मैंने जो पैसा जोड़ा था वो सब कुछ एक आदमी लूट कर भाग गया। और अब एक महीने के अंदर माँ का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर कहता है कि 20 लाख का खर्चा आएगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने इनका फोटो एक पोस्टर पर देखा तो गुस्से में आकर मैं इन्हें मारने निकल पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारी परेशानियाँ हमारी संस्था सुलझाएगी। स्वामी जी, मेरी वजह से इस संस्था को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हुए मुझे ध्यान आया कि हमारे पुरखों का एक सहारा धर्मशाला 100 साल पहले काशी में हुआ करता था। उसे विवेक सरकार नाम के किसी आदमी को लीज पर दिया था। उसके बाद उसका बेटा विनायक सरकार उस घर में रहने लगा। लीज खत्म हो चुका है, इकलौता वारिस होने के नाते अब वो घर तुम्हें ही मिलना चाहिए। आज के समय में उस धर्मशाले की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा ही होनी चाहिए। और क्या चाहिए बेटा, इसको बेचकर तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसे उस घर के बारे में सारी जानकारी दे दो। उसका नाम सहारा धर्मशाला था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। लीज पर देकर दान समझकर भूल गए थे। इतना काफी है, मैं ढूंढ लूंगा। मैं आज ही वाराणसी जाता हूँ। Hey!
टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। सर अच्छे रूम्स अवेलेबल है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। एक बार ट्राई करके देखिए। सर कैसे नहीं चाहिए? सर मुर्गा मैंशन आकर देखिए तो। अच्छा घर का खाना, स्विमिंग पूल, एसी, सब फैसिलिटीज हैं। पिकअप के लिए गाड़ी भी तैयार है। मैंने कहा ना कि नहीं चाहिए। क्या लेकिन ये गूगल में मुर्गा मैंशन का नाम क्यों नहीं आ रहा है? मेल ही नहीं रहा है। सर गूगल में पॉलिटिशियन लिख कर देखो, सभी घोटालेबाज नेताओं का नाम आ जाएगा। गांधी जी का नाम कभी नहीं आएगा, पुरखों का मेंशन है सर। भाई साहब मुझे माफ कीजिए, मैं जाने दीजिए। सर ये मेंशन के मालिक हैं, ऐसे सामान दे दीजिए सर। गाड़ी से मेंशन ले जाओ। जाओ ना, गाड़ी खड़ी है। अच्छा तो ये है आपकी गाड़ी? सर काशी में टू व्हीलर ही चलते हैं। अरे आंटी ध्यान से। तो आप काशी में पहले भी आए हैं क्या? नहीं ये फर्स्ट टाइम है। वैसे क्यों पूछ रहे हो? आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है, इसीलिए पूछा। मेरे दादा यहाँ रहते थे, शायद आपने देखा होगा उन्हें। यहाँ प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है? आपको खरीदनी है क्या? नहीं बेचनी है। ओ सुपर। अच्छा तो आप काशी में पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? काशी बहुत अच्छा है। हाँ। और यहाँ पर बात बात पर जी जी करके जो इज्जत देते हैं, ये कल्चर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो रास्ते में कोई फिसल कर गिर ना जाए, इसलिए ये लड़की काशी फल को उठाकर रोड साफ कर रही है। अरे ये लड़की तो मेरी बहन है। ऊंचे संस्कारों वाला परिवार है तुम्हारा। थैंक यू। ए जानकी, मेंशन के लिए गेस्ट आया, सब कुछ रेडी कर दिया। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। ये रास्ते तो बड़े ही बेकार है जी, लेकिन मेंशन तो अच्छा होगा ना। आइए ना। ए शुगर, कम कम कम। तूने फिर से सुसु किया? क्यूट कुत्ता है जी, इसका नाम शुगर क्यों रखा? इसे शुगर की बीमारी है, जहाँ देखो टांग उठा देता है। ये ले, निकल जाए। चल 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 आजा। जी इस घर का रेंट कितना होगा? एक दिन का 1000, दो दिन का एडवांस देना पड़ेगा, दादी को दे। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जी इतने बड़े घर का सिर्फ 1000 रुपए किराया, आप बड़े सीधे लग रहे हैं। अरे ये पैसे लेकर क्यों भाग गया जी? तुम उसे छोड़ो, वेलकम ड्रिंक लीजिए ना। वाह क्या वेलकम किया है आप लोगों ने मेरा, कमाल है। हम हमारे गेस्ट का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, एक दिन रुक कर तो देखिए जाने का मन नहीं करेगा। अरे मेरा पर्स कहाँ गया, अभी तो यही रखा था। अरे कहाँ चला गया? शुगर शुगर को माफ कर दीजिए, वो कहीं से भी कुछ भी उठा लेता है। कोई बात नहीं जी, एक हफ्ता रह रहे थे बेचारे, मायूस होकर वापस चल। माँ अभी ने तो आपने फंसा ही गया। अनाथी खराब होटल। ये लोग मुझे देखकर कुछ बोले क्या? अरे आप दिखने में ना बिल्कुल महेश बाबू जैसे दिखते हैं। वो वही कह रहे थे एक दूसरे से। यहाँ दिन रात लोगों को साउथ की फिल्में देखने का चस्का लग गया है। सुनिए लेकिन मैंने उन्हें महेश बाबू का नाम बोलते हुए सुना नहीं। वो गुजराती में बात कर रही थी ना, तो आप समझ नहीं पाए होंगे। आइए। लेकिन गुजराती में भी तो महेश को महेश ही बोलेंगे ना। हाँ। ये रूम है क्या? और क्या, पर एसी और स्विमिंग पूल कहाँ है? अरे जी खिड़की खोलो तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, इसके आगे बड़े बड़े एसी भी फेल है। मैंशन के पीछे गंगा का पानी बह रहा है, इससे बड़ा स्विमिंग पूल और क्या होगा? ये फैन तो चलता है ना? एक्चुअली उसका फेस कट हो गया, मर गए। तुम्हारे पैसों से लड़का बिजली का बिल भरने ही दौड़ कर गया है। क्या? शाम तक बिजली आ जाएगी। शाम तक चालू हो जाएगा? तुमने मुझे बेवकूफ। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, मैं सुबह कील ठोक दूंगा। आजा, आजा। कील ठोकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ एक भी मिनट और नहीं रुकूंगा। मेरा पैसा वापस करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। काम कर रहा है पेट अजीब सा हो रहा है। यहाँ बाथरूम कहाँ है? सॉरी जी रूम लोगे तो ही बाथरूम मिलेगा। क्यों परेशान कर रहे हो यार? यहाँ के रूल्स हैं यार। ठीक है यहीं रहूंगा, टॉयलेट कहाँ है? वहाँ से लेफ्ट और फिर राइट। इतना दूर जाना होगा? खाना लगा दिया है। हाँ जी ब्रेकफास्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री। पागल समझाए क्या मुझे? सर टुडे स्पेशल काशी फल की दाल, उसी की सब्जी, उसी की चटनी, उसी का रायता। इसीलिए तुम काशी फल उठा रही थी रास्ते से? हाँ बेटा कल सोमवार है तो नारियल तोड़ेंगे, कल सब नारियल का बनेगा। ये खाना आप ही खाओ, मैं खाता हूँ। अरे अच्छा दादी वेलकम ड्रिंक का असर इतना लेट क्यों हुआ? कितनी गोलियां डाली? दो डाली। कल से एक गोली एक्स्ट्रा डालना, ठीक है? ओए सीनो कहाँ है तू? मीना से ब्याज मांगने आ गया। ए, आज मैं यहाँ से अपना पैसा लिए बिना हिलने वाला नहीं हूँ, समझ लेना। कितनी बार समझाया तुझे होटल के अंदर इतना शोर मत मचा कर, अगर किसी कस्टमर ने सुन लिया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। चल मेरे पैसे वापस तो देता नहीं है, बड़ा इज्जत वाला बनने आया है। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे भी किसी ने धोखा दिया। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया तो तू मुझे भी देगा धोखा? और तेरी बेटी जो मेरे घर के अंदर मुफ्त में डांस क्लास चलाती है उसका क्या? अरे उस बात का तो मुझे और भी डर है, कहीं उसके डांस की वजह से पूरा छत ही ना नीचे गिर जाए। मुझे जो बोलना है बोल, मेंशन को कुछ मत बोलना। हाँ भाई क्या मेंशन है तेरा, सिर्फ बाहर से ही रईस लगता है, अंदर आओ तब जा करके असलियत पता चलती है। बदबूदार मेंशन। 2 साल पहले एक आदमी यहाँ सो रहा था, उसके ऊपर एक पिलर टूट करके गिर गया था, उस दिन के बाद से यहाँ कोई रहने नहीं आया। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसका समय खराब था। सीनू मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अरे सेठ जी इतना बड़ा घर छोड़कर मैं कहाँ भागूंगा आपके पैसे लेके। रुक 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 रुक,
तू ऐसे बात कर रहा है जैसे यहाँ का मालिक हो। 100 साल पहले इसे तुम्हें किसी ने लीज पर दिया था, लीज खत्म होने के बाद मालिक नहीं आया इसलिए तू इसे चला रहा है। मुझे सब कुछ पता है। देख सेनो, एक हफ्ते में अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो आग लगा दूंगा पूरे घर को। जोकर समझ रखा है मुझे। क्या हुआ मालिक? छोड़ ना यार, हर दिन का नाटक है इसका। शाम को बैंक को देखने लोग आने वाले हैं, बहुत सारे काम बाकी है, तू आना जल्दी। स्टूडेंट्स, आज का क्लास खत्म, कल मिलेंगे। ओके अरे पलट के तो देख। तुम सही आदमी नहीं लग रहा है, कमरा खाली कर दो। एडवांस वापस कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। रह लो, लेकिन गमले के पैसे तुम्हारे अकाउंट में जोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, जोड़ लो। एडवांस वापस मांगता है। एक ही रूम अवेलेबल है, दूसरा नहीं मिलेगा, माफ कीजिए। अरे रुको रुको रुको, क्यों ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? कहा है ना भाई जी, अमावस्या के कारण सारा रूम फुल हो गया है, हम दोनों को एक ही रूम में सोना पड़ेगा, हमको सिंगल रूम चाहिए। देखो काम खत्म करके हम सुबह ही निकलने वाले हैं, एक कमरा काफी है। समझिए भाई जी, आज अमावस्या है। अमावस्या हो सेवावस्या हो, चुका। अमावस्या है भाई जी। मालिक, लड़के वाले आ गए। नमस्ते मालिक। वैसे लड़के वालों की तरफ से सब ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन वो जो मेंढक जैसी शक्लें बना रहा है लगता है पागल है। कौन है वो? अबे वही तो लड़का। नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते भवानी, हेमा कहाँ है? वो दरअसल कार पार्क करने गई है, रुकिए मैं लेकर आती। अरे आप अंदर जाइए ना माँ जी, मैं उसे लेकर आता हूँ। आइए आइए। I'm very happy. I'm very, very, very happy. Sorry. It's okay. मैं लड़की का भाई हूँ, सीनू श्रीनिवास। हाय, मैं लड़के की बहन हूँ। हाँ मैं जानता हूँ हेमा, आपकी माँ जी ने बताया। उस मेंढक जैसी शक्ल वाले की इतनी खूबसूरत बहन, वाह। होटल वाले, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। तो एक काम कर, पीछे गंगा नदी है, जाके नहा ले। गंगा में नहाए, होटल खोल के रखा है। हमारी खुद की 20 बोट हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सब को मेरे बेटा और बेटी ही संभालते हैं। अच्छा, आपका ये मेंशन का बिजनेस है ना? ओहो, इस घर की देखभाल करने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। इतना पुराना होने के बावजूद आपने इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया। अरे सुना क्या, हम कहां इसे मेंटेन करते हैं, जब से किराए पर लिया था तब से सफाई भी नहीं हुई है। आधे घंटे तक एक जगह खड़े रहो तो पक्का अस्थमा हो जाएगा, इतनी डस्ट है। चुप करना है। ये क्या मालिक, आप अपनी बहन को ऐसे देख रहे हो जैसे सदियों बाद दिखी हो? अरे एड़े, मैं अपनी बहन को नहीं, हा? इस मेढक की बहन को देख रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? अरे बीच में से हटना। हेलो, मैं बीच में नहीं खड़ा था, तमीज नहीं है तुमको? सॉरी, आप कुछ ठंडा वंडा लेंगे? आप कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा ठंडा वंडा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, एक दिन आपकी बेटी को हमने देखा था, वो रास्ते पर गिरे काशी फल उठा रही थी ताकि कोई गिरे नहीं। उसी दिन इसका कैरेक्टर
हम सबको पसंद आ गया था। उसी काशी फल से लंच बना है, आप लोग खाएंगे क्या? नहीं, चुप। भाभी ऐसे चुप मत रहो ना, भैया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करो तो। मैं क्या करूँ, गाना या डांस कुछ भी, कुछ करती हो क्या? बचपन में सीखा था लेकिन अब आदत नहीं रही। ओ, ऐसी बात है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगी। कह रही हो, मैंने कहा मुझे ये लड़का पसंद नहीं। तुम ही ने लड़के की फोटो पसंद की थी, इसीलिए हमने ये सारी तैयारियां की थी, और अब तुम ही मना कर रही हो। मैं कहां नकार रही हूँ। तो फिर आप ना दिखने में बहुत सुंदर है, क्यूट भी है, और हस्ती है तो कमाल की लगती है। Thanks. पर दिमाग से एकदम पैदल है। हा? मुझ जैसे गधे के लिए आपने हाँ क्यों बोला? मैं शादी वादी के लिए बिल्कुल फिट नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुंडलिनी के बारे में जानती हैं? वो कौन है, आपकी गर्लफ्रेंड? देवा देवा, देखिए कुंडलिनी एक शक्ति होती है, मैं उसे जागृत करना चाहता हूँ और उसके बाद में सन्यासी बनना चाहता हूँ। सन्यासी ही बनना था तो ये नाटक क्यों? नाटक मैं नहीं कर रहा हूँ, घर वालों ने फोर्स किया था। मैंने उनको बोल दिया कि अगर लड़की ने मुझे ओके नहीं किया तो मैं सन्यासी ही बन जाऊंगा। अब अगर मैं शादी के लिए मना करूंगा तो उनको शक हो जाएगा। देखिए आप कह दीजिए कि आपको लड़का पसंद नहीं है। मेरी बात मानिए, ये शादी वादी का मोह त्याग कर मेरे साथ आप भी सन्यास आश्रम ग्रहण कर लीजिए। अब तुम क्यों रो रहे हो? बहन भी हाथ से गई। क्या मतलब, बहन के लिए अच्छा रिश्ता आया था वो चला गया। छोड़ो ना, कोई दूसरा मिल जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं। इतनी मुश्किल से मेरा घर बसने वाला था। अरे ये कर क्या रहा है आखिर? मार्केट में जो सस्ती सब्जियां मिलती है उन्हें बनाना सीख ले, फिर रास्ते से इस तरह काशीफल नहीं उठाने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? इसमें गलत क्या है? मेरे भैया बस अपनी जिद में आकर सन्यासी बनना चाहते हैं,
लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें तुम्हारी बहन बहुत पसंद है। तो हम क्या करें? तुम्हारी बहन को उनके आगे पीछे घुमाने से शायद उनका मूड बदल जाए। क्या कहा तुमने? मेरी फैमिली को समझ क्या रखा है? हम इज्जतदार घराने से हैं, ऐसे फालतू काम। ओवर एक्टिंग मत करो, ये भी चली जाएगी। जाती है तो जाने दे उसे। तुम मुझे क्या पसंद करते हो मैं जानती हूँ, चुपचाप मान जाओ, दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। क्या 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 ये? देखो आखिर कब तक मैं काशीफल उठाती रहूंगी? पैरों पर गिरने वाला पति बहुत मुश्किल से मिलता है। प्लीज यार मान जाओ ना। एक्चुअली तुम्हारी बहन हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। सॉरी अगर मेरी बातें में बुरी लगी हो तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब तुम इतना कह रही हो तो मैं अपनी बहन को मना लूंगा। हम तैयार हैं। सुपर, तो फिर हम तुरंत काम पर लग जाते हैं। ओके। तहसीलदार साहब कहाँ? अंदर हैं। थैंक यू। कहाँ है? हेलो, आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ मिलेंगी। नाइस साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है। अरे अरे क्या कर रही है? ये तहसीलदार की चेयर पर बैठ गई आप। वो अगर देख लेंगे तो चिल्लाएंगे। उठ जाइए। मैं ही तहसीलदार हूँ। आप तहसीलदार हैं? मैं तो आपको डांस टीचर समझ रहा था। ये मेरा जॉब है और डांस मेरी हॉबी है। तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, वो काशी में अपने पूर्वजों की एक जायदाद ढूंढने आया हूँ। उसके कोई कागजात नहीं है लेकिन फैमिली डिटेल्स इस पेपर में है। आप बता सकती हैं ये कहाँ होगा? वहाँ रख कर जाओ, ढूंढने की कोशिश करूंगी। अच्छा तो मैं फिर आता हूँ। रुको तुम्हारी आरती उतारती हूँ। वाह इतनी हॉट तहसीलदार तो मैंने कभी नहीं देखी। What? हॉट वो बहुत गर्मी है ना इधर, इसलिए आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं? चाहिए चाहिए। आप ठीक है। सिनू जी, रात में काशी घुमाने के लिए थैंक यू जी। क्या हुआ यार इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं जी, खुशी वाली कोई बात ही नहीं है। ना काम करने वाला बाप, ऊपर से माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इस बीच बिजनेस करने के लिए जो बैंक से लोन लिया था वो सारे पैसे एक चोर लेकर भाग गया। रघु जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखो मैं एडवाइस नहीं दे रहा लेकिन मुझे ही देख लो, कुंवारी बहन की शादी नहीं हो रही है, घर में एक दादी है, पुराने जमाने का घर संभाल रहा हूँ, उसे ठीक करने के लिए सेठ से पैसे ले चुका हूँ और वो पैसे भी चोर लेकर भाग गया। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, लाइफ में नेक्स्ट नेक्स्ट बोलकर आगे बढ़ो। और नेक्स्ट से याद आया। क्या हुआ जी? कुछ नहीं यार, एक लव मैसेज भेजना था। ऐसे टाइम पर भी प्यार? बहन के दूल्हे को इम्प्रेस करने के लिए बहन के मोबाइल से मैं मैसेज भेज रहा हूँ। पहली बार एक भाई को अपने बहन के प्यार के लिए इतना खुश देख रहा हूँ। क्या यार तुम भी। हाय। अरे भाभी का मैसेज आया है और ये तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मैं ही मैनेज करती हूँ। हाय। वाव देखो वहाँ से भी हाय आया है। अरे वाह क्या बात है। क्या कर रहे हो तुम? मुझसे गुस्सा हो क्या? अरे इतना सब करके पूछ रहा है मुझसे गुस्सा हो क्या? अच्छा देखो आपका बबली फेस याद करके मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। इस मेंढक का बबली फेस है? सच में? सच में पूछ रहा है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा झूठ कैसे बोला जाता है। जिस दिन से आप गए हो बस आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ। इस बबली फेस वाले से दोबारा मिलना चाहोगी क्या? चांस मिलेगा क्या? कल मेरी बोट में फॉरेनर्स के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ, पिकअप स्पॉट पर आ जाना। जरूर आऊंगी, हम कल मिलते हैं। वाह क्या बात है जी, कमाल है। हम काटे हैं। आपने? मेरी माँ। इनको और 20 इंजेक्शन लगाओ, ठीक है? ओके डॉक्टर। क्या बोल रहे हैं ये? उनको लगा बंदर ने काटा है तो 10 इंजेक्शन लगा रहे थे, जब हम बताएं कि हम काटे हैं तो 20 इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कहा बताएं भाई जी, बचपने से अमावस्या के रात में हमको कुछ हो जाता है भाई जी। अब हमको कहा हो जाता है ये बात का हमको तनिको अंदाजा नहीं है भाई जी। जो भी हमारा सामने आता है उसको हम मारने लग जाते हैं।
यही से तो हम आपसे सिंगल रूम मांगे थे भाई जी, आप ही मना कर दिए। इतनी अच्छी तरह पहले क्यों नहीं समझाया था। भाई जी फोन आई बा। कौन है? हेलो। आने वाले बुधवार को सुबह 10 बजे वो तुम्हें एक टूरिस्ट बोट पर मिलेगा। बोट की डिटेल मैं भेज रहा हूँ। ठीक है सर। किसी को खबर ना होने पाए, चुपचाप काम खत्म करना। ठीक है सर। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, काम खत्म करके फोन करता हूँ। ऑल द बेस्ट रघु। थैंक यू जी। तुम्हारा काम हो जाएगा, शाम को मिलते हैं। ए आयशु, वो कोई डॉक्यूमेंट के लिए तुझसे मिलने आया है, एक मिनट से फोन करता हूँ। क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्या हुआ? उसने जो भी डिटेल्स दी थी मैंने वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वो ही तुम्हारे घर का असली मालिक है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, सारे रिकॉर्ड्स क्लियर है, मुझे डॉक्यूमेंट्स देने ही होंगे, फिर तुम जानो और वो जाने। ए आयशु, एक मिनट। देखो ऐसा कुछ मत करना, फिलहाल बहन की शादी की बात चल रही है और इस वक्त अगर मेंशन हाथ से गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर देखो तुम, डॉक्यूमेंट आने में टाइम लग जाएगा ऐसा बोल दो, तब तक मैं किसी भी कीमत पर हेमा की शादी करवा दूंगा। कितना टाइम बोलूं? ज्यादा नहीं यार, लड़के ने लव मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया है, वो जिस स्पीड से जा रहा है मुझे लगता है एक हफ्ते में काम हो जाएगा। वैसे भी वो तुरंत घर खाली नहीं करवा सकता, तुम कोर्ट में केस कर दो, सिविल केस, एक साल तो आसानी से खींच लेंगे। नहीं नहीं ये सब गलत है, जो भी हो मालिक तो वही है ना, मुझे ये घर खाली कर देना चाहिए, बस फिलहाल थोड़ी मुसीबत है, बस शादी होने तक संभाल लो ना। फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं तुमसे ये करने नहीं कहता, प्लीज। तहसीलदार जी। आ गया, संभाल लेना। अच्छा वो मेरे डॉक्यूमेंट का क्या हुआ? हाँ बोलिए। पुराना रिकॉर्ड है ना, मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे टाइम, कितना टाइम लगेगा? मैं ऐसे नहीं बता सकती। अरे ये भी कोई बात हुई? अरे उसने बोल दिया तो बोल दिया। तुम एक काम करो ना, वापस चेन्नई चले जाओ। अच्छा मैं काम करता हूँ, जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, फिर तुम आके कलेक्ट करना। डॉक्यूमेंट्स कैसे निकलवाने हैं मुझे पता है। वो कैसे करोगे? कुछ नहीं जी, बस उसे पटा लूंगा। क्या? हाँ जी, उसे पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया, सोचा था कागज मिलते ही प्यार का इजहार कर दूंगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे पहले ही करना पड़ेगा। आप रुक क्यों गए, चलिए ना। अब तो चलना ही पड़ेगा। कुछ कहा? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ओके। आधे घंटे में ऑडिटर आने वाला है, सब कुछ रेडी है ना? भाई जी, खाली पेपर है, लगता है कोनो पैसा लेके भाग गया। मैंने ही निकाले हैं। आप निकाले? इज्जत से काम करने पर नाम मिलता है और गरीबी भी। 2 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ, ऐसा मौका छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलने वाला है। मंत्री जी का क्या होगा? मंत्री जी को लैपटॉप से मतलब है, ऑडिटर से नहीं। उसके मिलते ही उसे मारकर लैपटॉप मंत्री जी को दे देंगे। हमको बहुत डर लग रहा है भाई जी। गोवा में प्रॉपर्टी देख ली है मैंने, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। अपने घर के बाहर में तुझे भी एक कमरा दे दूंगा, नहीं तो ऑडिटर का हाल तेरे साथ भी होगा। हमको मंजूर है भाई जी, जवान आप कहेंगे वह हम करेंगे। हेलो, मैं बोट पे चढ़ चुका हूँ, तमें क्या? मैं किनारे पर वेट कर रहा हूँ, आइए। बोट बस चलने वाली है, आऊं छु? हे रामू, क्या भाई जी? बोट निकालने को बोल। अब ये बोलते हैं। देख तुझे प्रपोज करने के लिए फूल लेकर आ रहा है, जाना। उस बोट को फॉलो करने को बोल। ए, बोट राइट में जा रही है तो तुम लेफ्ट में क्यों जा रहे हो? अरे बाप रे बाप, ये क्या? बोट वाला कहाँ है? मर्डर करने जा रहा है ना, कोनो देख ना ले, ऐसे मना कर दिए। तुझे बोट चलानी आती है क्या? हाँ, केबल से स्टार्ट करेंगे, अलीबो से लेफ्ट राइट करेंगे। पक्का चला लेगा ना? हाँ, ये दिखाते हैं। अरे सर रुकिए, नहीं रहा है। हेलो डियर, वेलकम टू माय बोट, वेलकम टू माय बोट, वेलकम टू माय बोट। अरे तुम, यू डोंट वेलकम टू माय बोट। ए क्या नाटक कर रहा है, समझ क्या रखा है इसे तूने? कल रात खुद मैसेज करके बुलाया और अब बेइज्जत कर रहा है। मैंने कब मैसेज किया? मेरी हैंडराइटिंग थी क्या? क्या कहा? हैंडराइटिंग? ये सब तुझे मजाक लगता है क्या? सुनो छोड़ो इन्हें, प्लीज छोड़ो। अरे वो अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? समझता क्या है अपने आप को? अरे सच में मैंने मैसेज नहीं किया, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। वैसे भी रात के 8 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ। उनकी कोई गलती नहीं है, वो सो गए थे तो उनके नंबर से मैंने मैसेज किया था। तुम्हारी बहन इस वक्त कितना बुरा फील कर रही होगी ना बेचारी। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो 6 बजे ही सो गई थी,
उसके फोन से दरअसल मैं आपको मैसेज क्या परफेक्ट जोड़ी है हाँ मैं भी यही सोच रहा था दोनों ही जल्दी सो जाते हैं अच्छा आप उनकी बात कर रहे हैं छे क्या हो रहा है सर कंट्रोल नहीं आ रहा है हे इस तरफ क्या करूं सॉरी बोट तुम जाकर ऐसा ही करो चाय अच्छी है ना इलायची भी डाली तुम दोनों को कोई शर्म नहीं है क्या वो वहां लगा हुआ तुम यहां लगी हुई हो कुछ काम धंधा नहीं है दोनों को अरे रुक जा भाई मेरा बीपी बढ़ गया है एक बात बताएं भाई जी पुलिस के लाइफ से ज्यादा तो हमको खूनी का लाइफ जीने में मजा आ रहा है सर घूम रहा है मेरा पानी पानी अरे टेंशन काहे ले रहे भाई जी आपको हम गंगा का पवित्र पानी पिला देते देख बहुत बढ़िया आदमी है तू यार तुझे साथ में लाने का फैसला बिल्कुल गलत नहीं था हमारी माँ बचपन में ये बात बोलती थी वो जब भी बाजार भेजती गलते सामान लाते थे लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करती थी हमेशा प्यारे से समझाती थी बचपन में माँ की नहीं समझा और आज मेरी नहीं समझा बोट जा रही है अच्छा अभी थोड़ा धीरे चला यार अरे हम नहीं चला रहे हैं भाई जी खुदे चले जा रहा है अरे ब्रेक लगा अरे भाई थोड़े ना है जो ब्रेक लगाए आप एडजस्ट करके शूट करिए ना हे गाइस लुक एट बर्ड लुक एट बर्ड अरे सब लोग देख रहे हैं ठीक से बैठ जिसे मारने के लिए आए थे वो हमें जोकर समझकर तालियां बजा रहा है मेरी सारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी तुझे तो मैं क्या हेलो ट्रेनिंग सुपर ट्रेनिंग यार तुम कमाल हो सब जानती हो हाँ अभी आ रहा हूँ क्या बदतमीजी कौन हो तुम मेरे ऊपर दुपट्टा क्यों डाला जवाब दो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट पीठ वाले बाबा बस आप ही मेरा सहारा है मेरे बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है मेरे आई, बच्चे को बचा लीजिए बाबा पीठ वाले बाबा अब मैं क्या बोलूं परेशानी और तकलीफें ही हैं बिना रुके एक के बाद एक नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है मेरी जवान पोती की शादी नहीं हुई मेरे पोते के सारे पैसे लेकर एक आदमी भाग गया और अब हमारा आखिरी सहारा मुर्गा मेंशन उसकी भी लीज खत्म हो चुकी है पर इसका मालिक कौन है पता नहीं बिना कागज की जायदाद है एक और विवादित जायदाद हमारे बाबा के पास आई है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है जो सबसे ज्यादा दान दक्षिणा देगा बाबा उसी को जायदाद की जानकारी देंगे तो क्या बोली शुरू करें 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 हजार 50 लाख वन करोड़ 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 5 लाख 5 लाख यहाँ करोड़ों में बात पहुंच चुकी है और तुम 5 लाख की बोली लगा रहे हो पागल हो क्या तुम ये कौन आ गया बीच में हाँ पागल ही है कुछ भी बोली लगा रहा है क्यों वे सैंडी आखिरी बार हैदराबाद की जेल में मिला था कुछ याद है वो क्या है ना जब मौनी बाबा बना था तो कोई पूछता नहीं था जब से पीठ वाला बाबा बना है पैसों की बरसात होने लगी है पर पीठ वाला बाबा ही क्यों अगर चेहरा दिखाया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना तू चेहरा दिखाया पीठ मुझे फर्क नहीं पड़ता देख मेरी हर शहर में धर्मशाला है बस काशी में ही नहीं है प्रॉपर्टी की डिटेल देना 5 लाख बहुत कम है तो 5 लाख ले ले भगवान जी अरे इसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना
हेलो। वो कल महादेव मंदिर 2 बजे पहुंचेगा। कल की तरह लापरवाही मत करना, काम हो जाना चाहिए। सर, कल मैं ट्रैफिक में फंस गया था। क्या मतलब? मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गया था। ये बेकार हो गई है। अबे गधे, जरूरत हमारी है, तुझे पहले पहुंचना चाहिए ना। कल मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा सर। रेड कलर की कैप पहन कर जाना, वो तुम्हें पहचान लेगा। और काम के बाद फोन करना। अरे साहब, ये नहीं चलेगी, पुरानी है साहब, खराब है साहब। अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं, वापस आएंगे तो पैसे वापस नहीं करूंगा। यहाँ पर ये संदूक किसने रखा? मालिक! ये क्या? भगवान जी, आपके कहने के मुताबिक लिंग यहीं पे है। भगवान शिव मेरे सपनों में आए और मुझे काशी की वो जगह बता के चले गए जो वो पहले बताना भूल गए थे, और मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से शिव को पा लिया। अब जहाँ शिव का निवास वही हमारा निवास होगा, तो मंदिर में शिव की पूजा का काम शुरू किया जाए। नमस्ते स्वामी जी। आप आए, खुशी हुई। आप कितने दिन रहेंगे, कितने रूम चाहिए बता दीजिए, फिर हम अरेंजमेंट करते हैं। शिव जी की इच्छा से आज से मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, यही मेरा घर है। तुम घर कब तक खाली करोगे? ये क्या, मैं घर खाली करूं? ए, कॉमेडी करने आए हो यहाँ पे? चुपचाप चलते बनो वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ए बालक, इधर आ। ए जाबे, ज्यादा ड्रामा मत कर। ये जमीन बिना कागजात की है, सब पता करके आया हूँ, और लीज का वक्त भी खत्म हो चुका है। अगर तू पुलिस के पास गया तो ये प्रॉपर्टी ना तुझे मिलेगी ना मुझे मिलेगी। 10 लाख देता हूँ, चुपचाप चलते बन। तेरी बहन की शादी है ना, सोच ले। ए, बाबा बन के लोगों को धोखा दे रहा है, छी, शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। अगर देश में 100 अच्छे बाबा होते तो एक मेरे जैसा बेईमान भी होता है, लेकिन भीड़ फिर भी मेरे ही पास आती है। जानता है इसकी वजह क्या? राज की बात है, मार्केटिंग। 10 रुपए का पीतल का लिंग रख के 10 करोड़ की जायदाद कमा ली, देखा कैसा लगा? अरे सोच क्या रहे हो, मैं तुम्हें 15 लाख दिलवाता हूँ, लेके कहीं दूर चले जाओ। जाओ दासी, इतनी जल्दी क्या है? लोकेशन अच्छी है, कृपा कीजिए। कम ऑन, लेट्स गो। या भगवान जी, स्वीट रूम चाहिए। स्वीट रूम? कहाँ जा रही है? हमारे भगवान जी का पैर सहलाया ना, पता ही है किस चीज का कोड वर्ड है। ऐसे काम तो उस मेंशन में मैंने नहीं किए। ए स्वामी के बच्चे, तेरी तो मैं क्या कर रहे हो यार, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। हेलो, इतने दिनों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी आप हाँ नहीं बोल रही हैं। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट का क्या हुआ जी, कितने दिन हो चुके, मिला या नहीं? जब मिलेगा तब बता दूंगी, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, ये सुन सुनकर आज 10 दिन हो गए। रूल के हिसाब से आपको 1 हफ्ते में सारी डिटेल देनी थी, अगर मैं ऊपर के अधिकारी तक गया ना तो आप फंस जाएंगे। ओ, अब तुम मुझे बताओगे कि रूल्स क्या है? वो बात नहीं जी। मिस्टर, ये देखो, ये रहा तुम्हारी प्रॉपर्टी का ब्लूप्रिंट। रजिस्ट्रार साइन करेंगे तभी तुम्हें मिलेंगे। गो आउट नाउ। ऐश्वर्या, इधर आओ ना। आती हूँ सर। ये नंबर 47 पंचवटी आश्रम, सेठ सिंह वाला। एड्रेस तो सही है, पर यहाँ इतने लोग क्यों हैं? यहाँ पर तो मंदिर बनवा डाला, इन्हें लगता है कोई पूछने वाला नहीं। जगह ठीक बानू भाई जी, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ। हाँ, वहीं रुक जाओ भाई जी। जैसे वो यहाँ आए आप तुरंत निशाना लगा दीजिएगा। हेलो भैया, एक सेल्फी। शुक्रिया, बाय। क्या क्या वहाँ क्या है भाई जी? देख लिया, रेड टोपी तुमको मिनिस्टर ने भेजा है ना? हाय, हाँ ठीक छे, जल्दी से बैग मेरे को दे। नहीं देंगे हम। अरे बोले ना हम नहीं देंगे। अरे सुन करे छे, अरे थोड़ा नहीं दे रहा है, एक बार बोले कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अरे समझता क्यों नहीं है, बैग मेरे लिए भेजा है। हे भगवान, अरे सत्यानाश हो तेरा, और पता नहीं कहाँ से गिर गया, सब धूल बर्बाद हो गया हमारा, देखो धूल कहीं का। बदले
अरे हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी बहन से कहीं प्यार न कर बैठे इसी डर से। मेरे भैया सन्यासी बनना चाहते हैं। देखो तुम लोग उन्हें फोर्स मत करो, छोड़ दो, जो चाहते हो करने दो। भक्ति के लिए सन्यासी बनते तो खुशी होती, उन्हें भी पुण्य मिलता, लेकिन मन में तुम्हें रखकर अधूरे मन से सन्यास लेने जा रहे हैं वो। ऐसे सन्यास से सिर्फ तुम्हारे भाई को ही नहीं पूरे संसार को खतरा है। इस वक्त कहाँ है वो? नमः शिवाय। नमस्ते। छोटे बच्चों के साथ तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम गोपाल है, आपका शिष्य बनने के लिए मेरा रोम रोम तड़प रहा है। सभी लोग रुद्राक्ष माला धारण करेंगे और आंख बंद करके शिव का ध्यान करेंगे। ये नींबू कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे, ये औरत तो उस पर बैठ गई, अब क्या करूँ, कैसे निकालूँ? क्या कर रहे हो? नींबू देख रहा था महाराज। यहाँ ब्लू प्रिंट रखा हुआ था तो गायब हो गया, इतना क्या है? शर्म नहीं आती आपको? हेलो हेलो मैडम, मंदिर का ब्लू प्रिंट एक पागल के पास है, सुनिए जरा वो क्या बड़बड़ा रहा है। बताओ मुझे, किससे पूछ कर ये मंदिर बनाया तुमने? आधे घंटे का समय देता हूँ, शांति से सब लोग यहाँ से चलते बनो। अच्छा वैसे मंदिर का ये कौन सा पार्ट है? ये भजन मंडप है। ओह, यही मेरे परदादा का बेडरूम था। लीज पर जगह दे दी तो अपनी इच्छा से बदल दोगे? इज्जत से खाली कर दो, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, ब्लू प्रिंट। सारे गैर जिम्मेदार लोग हैं यहाँ। सर ब्लू प्रिंट मिल गया, मैं आधे घंटे में आती हूँ। पहले जिंदगी में एक भी लड़की नहीं थी, अब जहाँ देखो लड़कियां ही नजर आ रही हैं। आप मेरा एक काम करेंगी, जरा देखकर बताइए वो ब्लू शर्ट वाला लड़का गया या नहीं गया। गोपाल क्या कर रहे हो? क्या हुआ महाराज जी? गलत मत समझिए, सिर्फ बात कर रहा था। अब सभी लोग मंदिर की एक परिक्रमा करेंगे। बोला ना यहाँ। अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परिक्रमा के बाद फिर दीक्षा दी जाएगी, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो परिक्रमा पूरी कर पाएगा तब ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अरे छोड़ो मुझे, परिक्रमा खत्म करने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे संन्यास और उसके बाद कर रहे हो? देख क्या है, यो पकड़ो ना इसे, ये भाग जाएगा। छोड़ो मुझे। अरे जरा जोर से पकड़ो ना, जोर से पकड़ो। चल क्या रहा यहाँ पर? तुम्हें रोक रहा हूँ जमाई बाबू। तू रोक रहा है या कुछ और कर रहा है बोल? I'm so sorry. It's okay. I'm sorry. अरे भैया चले गए। मेरी बहन का क्या होगा? अरे मैं शादी के मंडप से उठ के थोड़ी ना भाग रहा हूँ, छोड़ो मुझे। ये मुझे पकड़ रहा है या इसको पकड़ रहा है? आया महाराज जी। कहीं नहीं जाएगा तू। ए छोड़ो मुझे। डोंट वरी, मुझे जाना है। मुझे सब कुछ पता है, तू मेरी बहन के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ा हुआ है, छोड़ मुझे। कुछ हुआ तो नहीं? हो तो बहुत कुछ रहा है, मगर मैं कह नहीं पा रहा हूँ। गोपाल जी महाराज, मुझे सन्यासी बनने के वक्त भी लड़की का साथ चाहिए? नालायक, दुष्ट, नीच, महाराज पापी भी आता है। बाबा को छोड़ो, मुझे प्यार आ रहा है, सही कहा ना महाराज? दोबारा यहाँ सन्यासी बनने आया तो तेरी हालत खराब करवा दूंगा मैं, नालायक। अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। यहाँ पर आना भी कौन चाहता है? जाइए। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा क्या? रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजूंगा। सब लोग सुनो, ये जमीन मेरी है, इसे खाली कर दो वरना कूद के जान दे दूंगा। रघु तुम गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारे पेपर्स नहीं थे, किसी और के थे, तुम नीचे आ जाओ। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। आयुषु क्या हुआ? नीचे तुम्हारी वजह से हुआ है, वो अपनी जान दे देगा। क्या कह रही है? ए, रघु भैया जो भी परेशानी है नीचे आकर बात करो, साथ में सुलझा लेंगे। अरे क्या सुलझा लेंगे, किसी को दिक्कत होती तो भगवान के पास जाता है, लेकिन मेरी दिक्कत तो ये मंदिर है, मैं कहाँ जाऊँ? बचपन से अब तक मैं कभी नहीं रोया, लेकिन अब सहन नहीं हो रहा है। कोई रोता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, और आज जब मैं रो रहा हूं तो कोई भी नहीं देखेगा। जय भोलेनाथ, मैं आ रहा हूं। Oh
Johnny Dapdown. जीजा जी, इसे काट कर गंगा में बहा देते हैं। नहीं भाई, शमशान में ले जाके जिंदा जला देते हैं। मुझे बताओ तुम दोनों को कैसे मरना है? दो ऑप्शन से। अरे मालिक, हम कुछ नहीं किए हैं, सब ही किए हैं। हम तो आपका वफादार सेवक है मालिक, वफादार। क्या है, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, मुझसे गलती हो गई। हेलो, सुनिए जल्दी आइए, मंदिर जाना है। यहाँ घूमना है क्या? हाँ तो, काशी तक आकर बिना दर्शन किए चले जाएंगे। ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है आयशु? सच में एक हफ्ते के लिए क्यों जा रही है? मुझे अर्जेंटली जाना ही होगा, मेरे पापा के जिगरी दोस्त यूएस के किसी इंजीनियर को गोद ले रहे हैं। इंजीनियर? बच्चों को गोद लिया जाता है, इंजीनियर को नहीं। उनकी इच्छा पूरी हो रही है तो तुम्हें क्या, एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। अरे बाय। एक हफ्ता? हाँ, मेरा डॉक्यूमेंट का क्या होगा? वो मैं सीनू को दे दूंगी, तुम ले लेना। ओके, जानता हूँ मुझे क्या करना है, फोन रखो। ए, क्या देख रहा है बे? तेरी तो। ए, मुझे गुस्सा मत दिला। तुझे मुझसे ज्यादा गुस्सा आता है क्या? चल जा, रहने दे। अपनी शक्ल देखिए कभी भालू कहीं का। अरे मैडम, सारा काशी देख रहा है, जो भी करना है अकेले में कर लो। यहाँ नहीं, मत मुझे अकेले में बुला रहा है। तुम छोड़ो उसे, ये लोग हैं ना। अरे रुको, इसे मैं अपने हाथ में मारूं। ए, हाथ का नाम है मैडम। तेरी तो मुझे घूरता है। रुको, ये देखो, इशारे करता है। हाँ, अकेले। अरे संजय, रुको ना, थोड़ा मार खाने दो। शीशे से घूर रहा था मुझे। मैं आपको नहीं घूर रहा था, शीशे में अपनी बेटी को देख रहा था। अच्छा, झूठ बोल रहा है। लगता है जिस बम की हमें तलाश थी वो यही है जी। हाँ रघु भैया, घूरने पर इतना मारती है, ये उस ढोंगी बाबा को तो काट ही देगी। सुंदरी। कौन है बे? मालिक, उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे डर मत, जैसा बोलता हूँ वैसा करते जा। सुनो बेटी, हम बुला रहे हैं। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं, तुम्हारे पति का नाम धर्मराज है, तुम्हारे तीन बेटे हैं, तुम लोग बहुत जरूरी काम से काशी आए हो। हाँ बाबा, पति को राजनीति में, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना, यही उसकी किस्मत में था। हाँ बाबा जी। रघु भैया, इतना ज्ञान कहाँ से लाए? मैं चेन्नई से हूँ जी, दुनिया भर की खबर रखता हूँ। कुछ समझी नहीं मैं, जरा क्लियर बोलो मालिक। बोल, मेरे पास आई हो, मेरे पास आई हो, परेशानी खत्म हो जाएगी, सब परेशानी खत्म हो जाएगी, चिंता मत सुख से रहोगे, चिंता मत करो। तो एक बात बताइए बाबा, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेगा? उसका जवाब हमारे पास नहीं है, हमारे गुरुजी के पास अवश्य होगा। आपके गुरुजी कहाँ हैं? काशी में ही रहते हैं, उनकी सद्भावना से सेवा करके उनका विश्वास जीतने पर ही रास्ता मिलेगा सुंदरी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करना होगा। काशी हम लोग जरूरी काम से आए हैं, लेकिन बहन इस बाबा के चक्कर में समय खराब कर रही है। छे। अरे सुन जी भगवान जी, और नहीं मिली लाने के लिए? बे, पैर पूजा के लिए पूरे 1,00,000 दिए हैं, पैसे वाली पार्टी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। जब गुरुजी तुम्हारी तरफ देखें तो उनके पैर इस तरह खुजाना, अच्छा लगा तो वो मुस्कुराएंगे, उसके बाद तुम इस तरह एक बार फिर से खुजाना। ये तो पैर खो जा रही है। हाँ? गलती से हो गया होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए।
अरे ये ऐसा गलती से नहीं, जानबूझकर कर रही है। भगवान जी, इसकी शक्ल तो आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। अरे पहले खतरनाक लग रही थी, अभी खूबसूरत लग रही। मैं फैसला कर चुका हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रास्ता दिखाइए। अति सुंदर, चलो मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। चलो सर, ये तो बहन की आवाज थी। अपने आप को बाबा बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? शक्ल देखिए अपनी, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बेशक दस थप्पड़ और लगा दे, लेकिन तूने खुद की शक्ल देखी है तो खुद छिपकली रही है। भैया ये एक ढोंगी बाबा है, इसे अपने साथ चेन्नई ले चलते हैं। ये कोई सामान है क्या? ले जाओगे? ये गुरु जी है, अगर मेरे भगवान को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं आग लगा दूंगा इस पूरी दुनिया में। अरे भगवान जी कुछ तो कीजिए, बचाइए मुझे। अब तो बेटा जो कर रहा है यही लोग करेंगे। जीजा जी। हाँ बोलो। बचपन से आप सन्यासी बने रहे, पर पारिवारिक जीवन अलग तरह का होता है, जानते हैं? हाँ मुझे सब पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और इस सब्जेक्ट में मैंने किताब भी पढ़ी है। तुम्हें वीडियो दिखाऊं क्या? 3 मिनट का है, बहुत अच्छा। मुझे माफ करो, गलती की पूछ करके। 2018 संवत जून महीने की 6 तारीख को श्री महेश वर्मा के पोते, श्री रामदास के बेटे और श्री विवेक सरकार की परपोती, विनायक सरकार की पोती, छोटे सरकार की बेटी। उसके बाद उसका बेटा विनायक सरकार उस घर में रहने लगा। लीज खत्म हो चुका है, इकलौता वारिस होने के नाते अब वो घर तुम्हें ही मिलना चाहिए। सहारा धर्मशाला, बेशर्मी की हद है, नया बोर्ड तक नहीं खरीदा, उसी बोर्ड को उल्टा करके उसके पीछे लिख दिया। इसे इन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा, शुभम मस्तकल्याणम। शादी मुबारक हो। क्या है? मेरे घर पर रुकने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए, उस दिन मैं खुद को मार डालना चाहता था, फिर भी तुम लोग शांत रहे। नहीं बेटा, तुम जैसा सोच रहे हो सिनू वैसा नहीं है। बहन की शादी हंसी खुशी हो जाए, घर की वजह से रिश्ता ना टूट जाए, इसी डर से उसने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। गलती मेरी है, बस बूढ़ी दादी माँ और जवान बहन को लेकर सड़क पर नहीं जा सकता। एक दिन का वक्त है तो किराए का घर देखकर कहीं चला जाऊंगा। एक दिन रुक कर देखो, जाने का मन नहीं करेगा ऐसा बोला था ना? पर तुम तो यहाँ सालों से हो, तुम्हारा मन करेगा? क्या देख रहे हो? भले ये जगह मेरी है, लेकिन इतने सालों से तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने इसे संभाल कर रखा है। इस पर जितना हक मेरा है उतना ही हक तुम्हारा भी है सीनू। अगर हम दोनों को किसी ने धोखा नहीं दिया होता ना, तो इस मेंशन को हम और भी अच्छा कर देते। सब टाइम टाइम की बात है। ऐश्वर्या का मैसेज है जी, गोद लिए इंजीनियर लड़के का फोटो भेजा होगा। सीनू, मुझे जिसने धोखा दिया था ये तो वही चोर है। लगता है अब ससुर जी के दोस्त को भी धोखा देने वाला है। अच्छा देखो तो, रघु इसी ने मुझे भी धोखा दिया था। तुम्हें भी? लेकिन कैसे? कहा था ना मैंशन ठीक करवाने के लिए सेठ जी से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, बैंक से पैसा लेकर आ ही रहा था कि ए भगवान अब मैं क्या करूं? अरे भैया रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ऐसे ही एक दिन मैं अपने रिटायरमेंट के पूरे 5 लाख ऐसे ही एक बैग में भर के यहाँ से निकल रहा था, और तभी अचानक एक आदमी आया और वो मेरा बैग खींच कर भाग गया। बेटा बेटा एक काम कर, तू पैसे बैग में मत रख बेटा, बैग से निकाल के कमर में बांध ले। अरे मेरी उम्र का कुछ तो लिहाज कर, मेरी बात मान ले बेटा, मैं सच कह रहा हूँ तुझे। अरे मेरी बात सुन, बात सुन। अरे सब लोग देख रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, जल्दी से अंदर रख ले, देख हमें सब देख रहे हैं, जल्दी रख, जल्दी बैग से निकाल, कमर में बांध। हाँ शाबाश शाबाश। ए रुक, ये खाली बैग लेकर कहाँ भागा? वो बुड्ढा खाली बैग लेकर वहाँ से भाग गया होगा ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट, पर ये तुम्हें कैसे पता? जब मैं बैंक से बाहर निकला तो मेरा भी बैग खाली करवा कर वो उसे लेकर भाग गया। क्या वो भाग कर किसी पुलिस जीप के पास गया था? हाँ गया था।
सर 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 उसने मेरे सारे पैसे चुरा के अपनी कमर में बांध लिए सर। देखिए बैग खाली है और इसमें से पैसों की खुशबू आ रही है। सर ये झूठ बोल रहा है, ये पैसे मेरे हैं। देखने में ये भिखारी लग रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सर काम कर दीजिए ना, आपको आपका कट मिल जाएगा। नेवर! कट शब्द से ही मुझे नफरत है, इसलिए आज तक मैंने बाल भी नहीं कटाए। इस वर्दी के अंदर एक ईमानदार पुलिस वाला है। बैग इधर ला। लो सर, सर डालो, जल्दी डालो, डालो जल्दी डालो, सब डाल दो। यू गो। सर 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 मेरे पैसे। सर जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। दो कटिंग के बाद एक क्वार्टर, उसके बाद तेरा मैटर। चल गाड़ी में बैठ। स्टॉप। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। उसके बाद जीप सीधे एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी। ऐसे ही हुआ? हाँ भाई वहीं ले गए। अरे मालिक उसने सिर्फ आदमी बदला है, आइडिया बिल्कुल सेम है। और फिर क्या हुआ? सर मीटर पर नजर रखूं क्या? चल चोर पीछे हट, आप देखने में जेंटलमैन लगते हो, जरा मीटर पर नजर रखोगे? ओके सर। जरा ध्यान से देखना, ये लोग चोर हैं। पीछे मुड़ने के बाद वहाँ कोई भी नहीं रहा होगा, है ना? करेक्ट है सर। सर सर अरे कहाँ चले गए सर? कहाँ चले गए सर? सर अरे तुम्हें कैसे पता? तुम्हें भी धोखा दिया था क्या? छी, कोई दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बहुत अच्छी तरह से लूटा तुम लोगों को। वैसे तुम लोग असली पुलिस के पास क्यों नहीं गए? जाना ही नहीं पड़ा, पुलिस खुद ढूंढती हुई आ रही। पुलिस की गाड़ी चला रहा था। मुझे क्या लगा सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं चोर नहीं हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए सर। दोनों के दोनों अंदर। रघु हम बेवकूफ बने उसका दुख नहीं हो रहा, लेकिन ये मेढक मुझ पे हंस रहा है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीनो इसी गुस्से के साथ हम चेन्नई चलते हैं और उस फ्रॉड को सबक सिखाते हैं। वापस आएंगे तो पैसों के साथ आएंगे, वरना इसकी लाश के साथ आएंगे। सत्यमूर्ति आज मेरी बीवी माँ बनने वाली है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। मालिक मैं। अरे तुम गलत समझ रहे हो, गोद लेने का आइडिया तुम्हारा था ना? वो तो मेरा फर्ज था मालिक। इसी वजह से तो चार पीढ़ियों से तुम हमारे वफादार हो। ये लो पकड़ो इसे प्रसाद। अरे भाई चलो आओ आओ सब लोग। पहली बारी रात दिया है मुझे, लगता है सोने का सिक्का होगा। मालिक पान के नीचे सिर्फ 11 रुपए ही है। 10 रुपए तुम्हारे लिए और 1 रुपया GST का है। अकल नहीं है? मुझमें अकल है या नहीं तुझे बाद में पता चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड को तेरा बेटा बना दिया, उसका इस्तेमाल करके तेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ, ये मारने आ रहा है। क्या हुआ? मैं अपना बेटा आपको गोद दे रहा हूँ, ये सुनकर एक आदमी मुझे मारने चला रहा है, देखिए ना। अरे साले साहब ये सब क्या है? अरे राजा क्या हुआ? क्या हो गया? 65 साल की उम्र में आकर किसी अनजान लड़के को ये गोद ले रहे हैं, ये देखकर मैं शांत नहीं रह सकता। देखो ये बहन का पति है इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे जमीन में गाड़ दूंगा। तुझे तो मैं अभी देख रही हूँ, तुम्हारा भाई क्या कर रहे हैं? मेरे हीरे जैसे मासूम पति को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं बहन, तुम बहन से प्यार करते हो तो इसे नीचे फेंक दो। भाई उसकी कुंडली अच्छी होने के बाद भी आपके जीजा जी श्योर नहीं थे, लेकिन जब उसका चेहरा देखा तो एकदम पिघल गए। उसके चेहरे में जादू है जादू। आप भी उसका चेहरा एक बार देखोगे ना तो आपका सारा गुस्सा उड़नछ हो जाएगा। दीदी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, डरपोक हो मान लो, भैया छोड़ देंगे। तू चलाने को बोलना अपने भैया को। वाह इतनी हिम्मत। भैया इसे कहते हैं लड़की पटाना। लाइफ का एक फंडा बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हर अच्छी लड़की मजबूरन नालायक लड़के से ही शादी करती है। तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं एक नालायक लड़का। अब पकड़ो। गुड, डरती नहीं बोला था ना, लेकिन तुम तो डर गई। चल हट। बहुत अच्छा। क्या हो रहा है वहाँ पर? ये दोनों ऐसे तोता मैना की तरह क्यों मिल रहे हैं? यहाँ पर कोई आधार कार्ड बनवाने के लिए फोटो सेशन चल रहा है क्या? तुम अपनी बेटी की शादी की सेटिंग तो नहीं कर रहे यहाँ पर? अरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्या आइडिया दिया है तुमने। भाई ये रिश्ता मेरी तरफ से पक्का समझो। आयशु ये अच्छी बात नहीं है। जीजा जी ये गोद लेना बिल्कुल गलत है, कहीं आप इसे गुप्त खजाने के बारे में तो नहीं बता देंगे? ये तुमने अच्छा याद दिलाया।
अब मैं जो तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, एक एक हीरा हर एक पीढ़ी की मेहनत का फल है। थोड़ा थोड़ा करके जमा की गई खानदानी जायदाद है हमारी। इस रूम में मैं भी ज्यादा नहीं आता, हमारे पुरखों की सारी जमा पूंजी इसी कमरे के अंदर है। वो जो हाथी दांत दिख रहा है उसी के अंदर खजाना है। तो फिर उसे किसी लॉकर या संदूक में बंद करके रखना चाहिए, इसे खुले में क्यों रखा है? अबे तू मेरा आदमी है या उसका? ये कमरा सेफ है, पूरे फर्श पे हाई वोल्टेज करंट फैला हुआ है, खाली मालिक ही इस कमरे के अंदर घुस सकते हैं। जीजा जी के अलावा कोई और अगर अंदर पैर रखेगा तो राख राख हो जाएगा। ये सारी सेटिंग मैंने ही की है, कैसा लगा? ओ, ये बात है, अंदर जाके देखो। मेरे जीजा जी के सिवाय कोई और पैर रखेगा ना तो राजा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? राजा तूने मुझे अंदर क्यों धकेला? चश्मा पहन कर देख। धक्का इसने दिया था, मेरा गला क्यों पकड़ रहा है? मार डाला। तेरे पति का दिमाग हिल गया है क्या? इतना तो कोई अपने सगे बेटे को भी नहीं बताता है। इतने मासूम आदमी पर क्यों गुस्सा हो रहा है? हर बात पर बस यही बात। करोड़ों रुपए के इन हीरे जवाहरात को हम पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते आ रहे हैं, आज से इन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जरा भारी है पापा, बुरा मत मानना, पर मेरे पैरों को भी स्कैन कर दीजिए, अच्छे से रखवाली कर ये नहीं होने दूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। हमारे कुल देवता के मंदिर की 5 साल तक किसी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके बाद ही ये मुमकिन होगा। बिल्कुल सही बात कही है तुमने। पापा, बेटा कैसा लगा? फिर से समझाना? नहीं वो क्या, मैं क्या तोप चीज हूँ तू ये नहीं जानता है? तुम मुझे जानते नहीं, एक ही बार मैं अपने दाएं हाथ से 15 लोगों को संभाल चुका हूँ। मैं 3-3 लोगों के 5 ग्रुप, सब लोगों को देख लिया था मैंने। कराटे जानता है क्या तू? रमी दाएं हाथ से पत्ते बांट रहा था। तुझे तो मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगा। It's training time. Okay, let's go. Get away from the top that you lost. Rebels made up of the fabric the cost. Dealing with it, the dimension of loss. You're singing into the parrot and proud. अभी भी 3 seconds late हो। बेटा, तुम्हारी घड़ी तो 2 दिन से बंद है। अपनी कमी को घड़ी पे मत डालो। Go once more. मुझसे नहीं हो रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं। Okay, तुम आराम करो, मैं रनिंग करके आता हूँ। तुम्हारी टाइमिंग अभी सही है। नहीं, मैं अभी भी 1 second late हूँ। इस बार सही हो जाएगा, okay? फिर से याद दिला रहा हूँ कि उसकी घड़ी चल नहीं रही। ए टीम चलो भागो भागो, अरे भागो 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 भागो। ये ऑरेंज जूस पी लो, विटामिन सी मिलेगा। ए, तुझे क्या लगता है हम यहाँ जूस पीना है? क्या बकवास लगा रही है यार, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। कैसे शांत रहूं यार? कूल, तुम दोनों चाहते क्या हो? तेरे हाथ पैर तोड़वाकर तुझे पुलिस में देना चाहते हो? पुलिस में देना चाहते हो, लेकिन क्यों? बी प्रैक्टिकल यार, मैंने अपनी झूठी कुंडली बनाकर, मेरे माँ बाप अमेरिका रिटर्न है ये बताकर, एक अमीर जमींदार को मुझे गोद लेने के लिए राजी कर लिया है। बस कुछ दिन और फिर पैसे ले ले। कैसे विश्वास कर लूं तुझ पर? विश्वास करना ही होगा, नो ऑप्शन। आज सुबह ही खजाने की चाबी हमारे हाथ आ चुकी है। वैसे तो मैं खजाना चुरा कर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सुंदर परी जैसी लड़की मिली। ये चोरी चकारी कब तक करूंगा यार? शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। आज रात को खजाना चुराएंगे, ट्रस्ट मी, तुम दोनों को पैसे मिल जाएंगे, पर मेरी लाइफ की ये लास्ट चोरी होगी। ओके, कल सुबह यहाँ आ जाना और अपने पैसे ले जाना। कल परसों कुछ नहीं चलेगा, जब तक पैसे नहीं मिलते हम तेरे साथ ही रहेंगे। ऑफ कोर्स, आओ आओ, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाता हूँ। बेटा सूप पी लो। और कहने के है ना, ए रघु, पैसे देने के लिए तैयार हो गए, प्रॉब्लम क्या है? वो बात नहीं है जी, पैसे चोरी हुए उसका इतना दुख नहीं है, लेकिन ये गधा, एक पुलिस वाला, ये कैसे मान लिया मैंने यार? अरे वो छोड़ो, यहाँ के लोगों को लगता है इसका नकली बाप अमेरिका रिटर्न है, हम तो उनसे बेहतर ही है ना। हे आयशु, तुम किससे पूछकर यहाँ से जा रही हो? किससे पूछकर आपने मेरी सगाई उसके साथ फिक्स की? बेटा, तेरे बाप के पास सिर्फ 50 करोड़ हैं, लेकिन इनके पास 250 करोड़ है। अब ये बता, इतने पैसे हैं तो तुझे क्या दिक्कत है? मुझे वो पसंद नहीं है, मैं वापस काशी जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरे मन में कौन है, उसके लिए तू अपने बाप को भी छोड़कर जाने के लिए तैयार है ना? एक बात याद रखना बेटी, आज तक धंधे में जो भी ब्याज कमाया सब तुझे पालने में लगा दिया, और तू मुझे ही छोड़कर जा रही है। अरे सुन आयशु, आयशु, बाप रे, इतने बड़े घर में चोर मजे करेंगे। सुनो, पहली बार धंधे में उतर रहे हो, चौखट छूकर अंदर आ। धंधा धंधा, हम पैसे लेने आए हैं। ए, तो मैं क्या हनीमून पे आया हूँ? चोरी करके ही तुम्हें पैसे दूंगा ना? तुम दोनों में काम की लगन ही नहीं है। कम ऑन गाइस, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, प्रणाम करो। चलो भगवान मुझे इतना काबिल चोर बना दो कि एक दिन पार्लियामेंट तक पहुंच जाऊं। हाय हाय, कैसी लगी मेरी गर्लफ्रेंड? क्या
तेरी गर्लफ्रेंड? और नहीं तो क्या, तेरी गर्लफ्रेंड कमिंग बेबी। तू रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। रहु, 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 क्या कर रहा है यार? छोड़, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। गुस्सा मत कर, उसे बाद में देखेंगे। टेंशन क्यों ले रहा है यार? बेब, बैग लेकर कहाँ जा रही है? मतलब? अरे कुछ नहीं बेटा, गंदे कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रही है। अगर तुम ये सब करोगी तो बुड्ढा क्या करेगा? सही कहा बेटा। बेटा ये यहाँ कैसे आया? ये मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, गोद लेने के फंक्शन में आए हैं। आओ अंदर आओ। कुछ करना पड़ेगा। रघु, रघु बुला रही है। पीछे देखो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही होगी, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। लड़की को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। खैर, तुम ये बात नहीं समझोगे। हम नहीं समझेंगे? तेरी तो इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं रघु। इसने मुझे परेशान करके रखा, छोड़ दे मुझे। जो बोला ना उसे बाद में देख लेंगे। भाई यही पार्टी है, किसे टपकाना? रघु नाम के एक लड़के को। हो जाएगा, वो मिलेगा कहाँ? नीचे प्रोग्राम में है, मैं उसे रात को बेहोश करके बोरी में बंद करके फेंक दूंगा। उसके बाद तुम उसे बिना बोरी खोले उसे मार दूंगा। कर पाओगे ना? डॉन शकील का नाम सुना है? सुना तो है। मैं वो नहीं हूँ, उसके भाई राजन का। अच्छा तो राजन हो? नहीं, मैं उसका धोबी हूँ। धोबी हो? 100 से ज्यादा मर्डर देख चुका हूँ, टेंशन मत लो। डेब्यू है क्या? तुम्हारा भी डेब्यू, मेरा भी डेब्यू, पिक्चर हिट होगी। ओके डन। बिना बात ऐसे रोने का क्या मतलब है? जीजा जी ने कुछ बोल दिया है क्या? हीरे जैसे मासूम जीजा जी को क्यों इसमें खींच रहा है? तू बस कैसे भी ये गोद लेने की रस्म रुकवा दे। इसका मतलब तुम्हारी मर्जी के बिना वो टकला अपनी मनमानी कर रहा है? आज तक मेरी मर्जी से उन्होंने कुछ भी किया है क्या? क्या बोल रही हो दीदी? तू मेरा छोटा भाई है, तुझे अपना दुख कैसे बता सकती हूँ मैं? अरे बताओ दीदी, क्या बात है? हमारी शादी से लेकर आज तक तेरे जीजा मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है तुम दोनों के बीच? कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम बार बार उन्हें शरीफ बोलती रहती हो। ये क्या कर दिया दीदी? कमी तो दरअसल उनमें है, लेकिन मुझे बांझ कहकर गोद ले रहे हैं। अगर ये रस्म पूरी हो गई तो मैं सच में आत्महत्या कर लूंगी भैया। दीदी, वो जिंदा रहेगा तो जीजा जी उसे गोद ले पाएंगे ना। उठवा देता हूँ। What a surprise! तुमसे मिलने के लिए मैं काशी आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए। तुम मुझसे दूर नहीं रह पाए ना? वो जो गणेश है ना? ए, मैं अपने पापा से छुपकर तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ, और तुम वो किस पागल का नाम ले रहे हो? क्या कहा, पागल? देखो, तुम उसे अपने फेसबुक अकाउंट से अनफ्रेंड करो। हाँ, कर हाँ, मैं उसे देखूंगा। देखो यार, तुम चिंता मत करो। देखना मत, बस खत्म कर देना। अरे, मतलब वही है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं। तुम उस लड़के से दूर रहना, वो ठीक आदमी नहीं है, समझी? ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो? देखो खुद को सुधारो तुम, जैसा बाप वैसे बेटी। हाँ, मैं वही बात तो कर रहा हूँ ना। बदमाश, ऐसा क्यों किया? मैं क्या करता, तुम साड़ी में इतनी सुंदर लग रही थी। किया तुमने और शर्मिंदा मुझे होना पड़ा। क्या देख रहे हो? सोच रहा था कि तुम्हारी कमर ज्यादा सुंदर है या तुम्हारे होंठ? ए! ए, स्वामी, आओ क्रिकेट खेलते हैं। भगवान जी, इतने दिनों से हमारी धुलाई करने के साथ साथ घर का काम करवाते रहे, आज पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहे। चलो ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग? अरे तुम स्टंप बनोगे। अरे अरे नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। अरे मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ। चल बॉल देना। क्या भगवान जी, बॉल को ऐसे दबाया कि चपटा हो गया? अरे मैं कैसे बॉल को दबाऊंगा, तुझे बॉल की पड़ी है? मेरे बारे में भी तो सोच। मैं कब से देख रहा हूँ वो जानबूझ के तेज बॉलिंग कर रहा है, और ये मोटा खेल भी नहीं रहा। इसको बोलना थोड़ा अच्छे से खेले यार। ए, अच्छे से खेलना मोटा। क्या बोला? भगवान जी ने बोला तो मैंने बोला। आपने ही बोला तभी तो बोला ना। मैंने चिल्ला के पूछने के लिए थोड़ी बोला था। तुम कौन हो भाई? तुम भी उसकी बीवी के साथ रोमांटिक हो गए थे? इंस्पेक्टर, तुमने सिर्फ सैंपल देखा, हमारी मार कैसी होती है इनसे पूछ लो। मैं बता देता हूँ। हेलो, कल सुबह पटेल सर्कल के पास सारे पैसे लेकर पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारी सारी डिटेल सीबीआई के पास पहुंच जाएगी। काशी, मैं तेरे लिए ही आया हूं, कल मिलता हूं तुझसे। लास्ट वार्निंग। अरे सॉरी सॉरी, बस एक लास्ट चांस, अब देखना। ए,
ऑलरेडी 26 बार मिस कर चुके हो। तुम चाहे जितने चांस ले लो, लेकिन तुम जितनी बार मिस करोगे तुम्हारी पेमेंट में से पैसे कम होते जाएंगे। मुझे दे। दीदी मुझे फोन कर रही थी क्या? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आधे घंटे में उसे बोरी में बंद करके उठवा दूंगा। अब तुम जाओ, आराम से जाकर सो जाओ, सुबह तक वो इस घर में नहीं होगा। नहीं, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। गहरी नींद में है, देखता हूँ। अरे यार ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, कोई और आइडिया सोचो। एक आइडिया है मेरे पास, तुम अपने पैसे लिए बिना ही काशी चले जाओ, बाकी हम देख लेंगे। तो थोड़ा जोर लगाओ यार, जोर लगाओ। आशु, तेरी बीवी की एक्टिंग कर रही हूँ पर हूँ नहीं। अंदर पैर मत रखना। ओके, हाथ रख लेता हूँ। ये क्या हुआ? लगता है तेरा नकली बाप टपक गया। पापा ने मुझे रूम में बंद कर दिया है। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक छोटा सा शौक था। पापा ने क्या प्लान कर रखा है पता नहीं, तुम जल्दी यहाँ पर आओ। मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ। तुम आते हो या नहीं? ठीक आ रहा हूँ। अरे यार इसे साइड में फेंक के अपना काम चालू रख। चलो चलो उठो, इसे यहीं रखो। हाँ चलो। अरे ये आखिर चला कहाँ गया? फिर से मेरा चश्मा गिर गया, मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, रात में कैसे दिखेगा? Are you fine, Dad? Hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना चश्मा ढूंढ रहे हो क्या? ये लो, गाजर खाया करो, आंखें तेज हो जाएंगी। थैंक यू। मुझे गाजर क्या आएगा? अब ये इसे कहाँ लेकर जा रहा है? हे आयशु, मुझे रूम पर बुलाकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, अब समझा किस लिए बुलाया। ये आज तुम्हारे गालों को क्या हो गया? रफ रफ से लग रहे हैं। दो दिन से शेव नहीं किया ना। शेव नहीं किया? ससुर जी। इसके पैर अंदर क्यों नहीं जा रहे? हेलो, बोलो मालिक, कहाँ पर है? बस पहुँच गया। सच बोल, किधर है? कहीं बैठ के पी तो नहीं रहा? नहीं मालिक, दारू नहीं पिए मैंने। पांच गिनने तक यहाँ नहीं पहुँचा ना तो तुझे काट डालूंगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। अरे वाइब्रेट पर है। हेलो, हम आ गए हैं। वेरी गुड, इसे बोरी में बांध दिया है, नीचे फेंक रहा हूँ, इसे अच्छे से धो देना, इसके चीखने की आवाजें मुझे आनी चाहिए। अरे भाई नीचे फेंको तो सही, फिर ये धोबी आपको बताएगा। बहुत मर्डर्स देखे हैं मैंने। फिर बोला देखे हैं, कुछ किया भी है कि नहीं है? देखता हूँ। अरे अरे ये क्या? बोला था बोरी में फेंकूंगा, डायरेक्ट फेंक दिया, निकालो इसे। कहीं चिल्लाकर सबको बुलाना ले, मुंह बंद कर देता हूँ। ये ससुर जी ने मुझे बोरी में क्यों बंद कर दिया? ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं? ए, पकड़ पकड़। हाँ भाई ने बोरी फेंक दी, डाल इसमें। 104, 105 था, अब चल। टिक्की में रखा हुआ है, इसे कारखाने में ले जाकर चीर देंगे। भाई चलो, ठीक है, चलो ले जा इसे। प्यारे जीजा, कल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक्स ब्रदर, जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है इसलिए मुझे बचाया। किसी को बताना मत, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अबे फ्रॉड, जितना चोरी किया उतना वापस कर दे, वो काफी होगा। आयशु, इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारे पापा की वजह से। बेहोशी का स्प्रे छिड़क कर मुझे बोरी में बंद कर दिया था उन्होंने, बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ मैं। मैं जानती थी वो कुछ ऐसा ही प्लान करेंगे और फिर मेरी शादी उससे करवा देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल सुबह काशी की ट्रेन है, हम अभी निकलते हैं। क्या काशी? हाँ, काशी। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम है। हाँ? मतलब तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए थे? नहीं नहीं, तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन सीनू को कुछ काम है, उसे कैसे छोड़ दे? ठीक है, मेरा यहाँ रुकना रिस्की है, मैं अभी निकलती हूँ, तुम उसे लेकर डायरेक्ट स्टेशन पहुँच जाना। ठीक है, अच्छे से खींचना या अंदर गिर जा। कहाँ गए थे तुम लोग? सुबह होने वाली है, ये बेकार औरत किसी भी काम की नहीं है। ओए, सर्कस में लकड़ी पर चलकर अच्छा पैसा कमा रही थी, तुम्हारे साथ अभी तक एक रुपया भी नहीं मिला। दू क्या? क्या कहा? पहले क्या करती थी? लकड़ी के पैरों पर चलती थी। ओ, 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 ओ,
ये लो, इसे पकड़ो। अब ये क्या है? ये नकली है। ओरिजिनल निकालने के बाद इसे वहाँ लगा देंगे ताकि कोई हम पर शक न करे। लाओ लाओ फेंको। वाह, ये वाला दे दो। तुमने इसे फेंकने को क्यों कहा? फिंगरप्रिंट्स। लगता कोई यार है। चलो भागो 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 भागो। हे, वहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी आओ। उधर उधर। आजा आजा। ओके बेबी, आई लव यू। वैसे तो मैं एक चोर हूँ, लेकिन इसे पैसे देने के लिए फिर भी राजी हो गया। लेकिन ये कमीना तो डबल गेम कर रहा है, मेरी पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रास्कल। अरे गणेश बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? पूजा का टाइम हो गया है। मैं नहा कर आता हूँ पापा। अरे नहीं, तुम्हें घर पर नहीं नहाना है, मंदिर में नहाना है। यहाँ का यही रिवाज है। आओ आओ। अरे ये क्या, केले का पेड़? क्या हुआ? ये बताइए मुझे इसका क्या करना है? क्या करना है ये बताना पड़ेगा। इसे काट कर सब्जी बनाकर सबको खिला देता हूँ। एकदम मेरी तरह सोचता है, लेकिन इतनी जल्दी मत काट, पहले उसे उल्टा लटका। हैं? उल्टा लटका दे? ठीक है, काटने से पहले कह रहे हैं कि इसे उल्टा लटका दो। चलो लटकाओ। हमसे क्या क्या करवा रहे हैं। इस घटना के बाद तुम लोग देख लेना, इस धोबी का नाम पूरे मार्केट में फैल जाएगा। अरे ये तो वाइब्रेशन मोड पर है, बहुत गुदगुदी हो रही है। इसकी हिम्मत तो देखो, हम पर हंस रहा है। मारो इसे, मारो और मारो, मारो। हम पर हंसेगा। चले। अब तक तो उसे लटका ही दिया होगा। हेलो, क्या हो रहा है? हिल रहा है, तड़प रहा है, बोल। ऊपर से नीचे तक तड़प रहा है। वो तड़प रहा है, मर जाए तो फोन करना। अरे ये कैसे मरेगा, और मर भी गया तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे क्या हो रहा है, चार पांच बार फोन किया लेकिन वो पार्टी फोन ही नहीं उठा रही है। कैसे उठाऊंगा, मुंह बंद करके मुझे ही बोरी में ठूस दिया है, मुझे ही फोन करके मुझे ही मार रहे हो कदे कहीं के। अरे बापे, फिर से फोन वाइब्रेट हो रहा है, हिलूंगा तो फिर से मारेंगे सब। क्या करूं, क्या करूं? उसके फोन ना उठाने पर गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन इसके हंसने पर बहुत आ रहा है। अब वो नहीं आने वाला दीदी। ये क्या? ये क्या? तूने तो कहा था ये नहीं आएगा, लेकिन ये तो आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे वो कटे कहाँ पर है? आ गया, ये रहा आपके पीछे। अबे तो रात को नशे में उसे भागने दिया क्या? केले का पेड़ अपने आप कैसे भागेगा? केले का पेड़? आप ही तो रात में भेजा था, रात भर मुझे देखते रहे, हमारा दिमाग खराब हो गया। सॉरी दीदी, लगता है कोई गलती हो गई है। तुमसे बेहतर तो तुम्हारे जीजा जी है, वो ना कुछ करते हैं ना कुछ कहते हैं, तुम्हारी तरह बोल बच्चा नहीं है। अपने पति से तू मुझे कंपेयर कर रही है? अब मुझे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, देखो मैं क्या करता हूँ। अबे वो कटे अपना सांड कहाँ है? एकदम तैयार है। ये हमसे नजरें क्यों चुरा रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गोद लेने से पहले कुछ रिवाज पूरे करने होंगे बेटा, आपको पिता की गोद में बैठना होगा। कान छेदने वाले को बुलाइए। कान छेदने वाले को? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा अमेरिका का वीजा कैंसिल हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। अमेरिका थोड़ी जाओगे, यहीं रहोगे। ओए पंडित, और लेकिन ये तो रिवाज ये कर रहा होगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे बेटा थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाओ ना। एडजस्ट क्या करूँ, ये कोई शेयर ऑटो है क्या? पूरा टैंकर है, आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपनी सांस अंदर खींचे ना, सब हो जाएगा। अब उठा कर बिठाओ इसे। अभी क्या कर रहे हो? अच्छे से बैठो। अरे नहीं नहीं, अरे मैं सांस ज्यादा देर नहीं रोक सकता, कुछ नहीं होगा। इसके कान छेदने को बोले, मेरी जुबान छेद डाली। तो तूने जुबान क्यों निकाली? जुबान निकाली तो छेद डालेगा क्या? बाहर निकल, बताता हूँ। ठीक है जा, रस्म के कपड़े लेकर आ। सीनू, इसका इरादा बदल चुका है पक्का। ये लो गणेश, जल्दी करो बेटा, शुभ समय निकला जा रहा है। जाओ बेटा, बदल कर आ जाओ। तू उसे मारने की बजाय रस्म में हाथ बटा रहा है। दीदी ये सौंड की फेवरेट धोती है, इस धोती को देखते ही देखना वो सांड इसकी क्या हालत करेगा। चाचा जी आप जाइए, तुम्हारे साथ ही आएंगे। अरे मुझे धोती पहननी आती है, आप जाइए, मैं खुद पहन लूंगा। हेलो दोस्तों, खाना खाने खा लिया, तुम चलो जरा, तुमसे अकेले में बात करनी है। अरे सुना आप लोगों ने, ये मेरे सबसे खास नहीं दोस्त हैं। मैंने डोसा खा लिया, मैंने खा लिया यार, छोड़िए सर, खा लिया। अरे कहाँ जा रहा है?
कहाँ भाग रहा है? अरे पहले मेरा एक पूछा दे, उसके बाद जाना जहाँ जाना है। खोल दिया, जा अपना खेल दिखा। तू मान लेके क्यों भाग रहा है? कहाँ गया वो? अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। रघु चल। हे लगता है सांड को देखकर वो भाग गया, कहीं लौट कर ना आ जाए, उसे वही खत्म कर देना होगा। चलो रुक जा। असली मर्द है तो सीढ़ी नीचे फेंक। इस सीढ़ी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा, कभी नहीं दूंगा। सांड से तो बच सकता है लेकिन हमारे हाथों से बच पाएगा क्या? जान से मार डालूंगा। नीचे उतर, नीचे उतर, शराफत से नीचे उतारा। दिन ब दिन मेरी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। बेटा मैं आ गया। आ जाओ आ जाओ। अरे यार ये आ, बैट, बैट। अब समझ में आया मैंने तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दी थी। आ, चलो अब जल्दी चलो, सीधे चलते रहो, वो निकल जाएंगे। चल चल चल, आजा आजा, चल 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 चल। देख देख आखिरी बार बोल रहा, नीचे आजा। अरे अरे संभल कर, तुम तो उधर जाओ, मैं यहीं रहता हूं। मार दे तो मुड़ के सामना कर। थोड़ा तो साइकिल कैसे चलाऊंगा, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। दूसरों के पैसे मारते हो, शर्म नहीं आती? थू। ए, खजाना मेरा है, उसका मालिक मैं हूँ। नजर तुम मार रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थू, थू, थू। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये क्या? अरे कुछ नहीं, तूने जो अभी थूका वो हवा से मेरे चेहरे पे आ गया। कोई बात नहीं, इसे स्किन के लिए यूज करते हैं, चेहरे की झुर्रियां चली जाती है। अच्छा तो फिर मैं एक काम करूंगा, एक दिन नंगा होके लेट जाऊंगा, तू मेरे शरीर पे थूकते रहना। तुम अगर नंगे हो जाओगे तो मैं ही नहीं पूरा शहर तुम पर थूकेगा। अब जल्दी चलो। हाँ चल चल। कहाँ भाग गया वो? तो पार चले गए। बाय रघु, हमें पार करना होगा। चल रही आ जा। अरे बाप रे, ये लोग सर्कस में काम करते थे क्या? रुको मैं अभी अपनी कला दिखाता हूँ, अब देखो मेरी कलाकारी। अरे क्या, उन्हें पकड़ने की बजाय यार टाइम पास कर रहे हो। नीचे उतरिए। अरे देख क्या रहे हो, मुझे बचाने की कोशिश करो। चलो चलो घेरा बनाओ, कूदिए। ये रिंगा रिंगा रोजेस कर रहे हो क्या तुम लोग? अरे पकड़ लिया, जल्दी कूदिए, पकड़ लिया आपने। कूद रहा हूं, कूद रहा हूं। अरे भाई कम से कम देख के कूदते बच्चों। हे रुक, ये तो बड़े आराम से नीचे उतर गए। अरे रुक क्यों गए? सामने देखना, रोड ब्लॉक है। देख मेरे पास एक हथियार है, निकालूं क्या? हाथ हटा, ये सब पब्लिक में करते हैं क्या? वो पत्थर उठा, ये ले। ए, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सर फोड़ दूंगा। ए, जितना भागना था भाग लिया तूने, अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। ये ले सिनु। थैंक यू। लगता है ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। कहाँ से आ गया? अरे सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। चलो चलो यही सही टाइम है, यहाँ से निकल चलते हैं। चलो सिनु, वो भाग रहे। अरे गणेश, खजाना तो गिर गया। अरे अरे उसने उठा लिया। दम में तो आकर ले लेना। नहीं आऊंगा, आया तो तुम मारोगे ना। जान से मार दूंगा। चल सिनु। अब मैं और नहीं रुकने वाला हूँ, अब मैं अपना हथियार निकालता हूँ। रुको, तुम दोनों बात कर रहे हैं। अरे तुम इसकी बात कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। ये कहाँ से आया? तेरे नकली बाप के कमरे से चुराया। बहुत अच्छे, अब अपने भगवान को याद कर ले। अरे कहाँ गए? यहाँ पर हूँ। अरे इतनी जोर से गोली चलाई, खुद ही गिर पड़े। बचपन में मैं पटाखों से बहुत डरता था ना, और इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी तो घबरा के मैं गिर गया। पाएगा, यहाँ लाओ। अरे ये कहाँ गायब हो गए? मालिक हम सब उसे नहीं, नहीं, पकड़ लेते हैं। तुम सबसे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जानता हूँ। तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इसे अकेले पकड़ूंगा। जाओ, वो अकेले करेंगे। हीरे हमारे पास है, जल्दी निकल लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं? आ जा आ जा। देखिए भैया, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है। सॉरी बोलने पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, ट्रैफिक जाम मत करो। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे सिर्फ पहुँच चाहिए। चलो चलो, आ जा, तू नहीं बचेगा।
ए, ये सांड फिर से कहां से आ गया? कुचल दे साइकिल के नीचे। ए! आ जा बेटा अमेरिका के आर्नोल्ड, आज या तो तू जिंदा रहेगा या मैं। आ जा। ए! अरे बाप रे, मारे सांड आ रहा, भागिए। मुझे बचा लो। मालिक ठीक तो है आप? मैंने आपको बोला कि भागिए, आप भागे ही नहीं, तो छोड़ सकेंगे ना। ए, साफ सीधे खड़े हो जाओ। धत चाइना का माल। ए, मैंने बुखार में भी उस जगह सुई नहीं लगवाई थी और तूने उस जगह को पंचर कर दिया है। तुझे तो मैं ला इधर ले। थैंक यू। ये क्या है भाई, मैंने उसे मारा और वो थैंक्स बोल रहा है? पागल है क्या? पागल वो नहीं है, एक नंबर का गधा तू है। इसे उठाकर इसकी शिकायत। आशु तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। क्या? अरे मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। उस फ्रॉड ने ये मुझे क्यों दिया? क्या करूंगी इसका। हेलो आशु, रघु। हेलो आशु, मेरी आवाज आ रही है? आशु क्या करो? भैया थोड़ा जल्दी करना। हाँ अत्यार सुधी आ रहे हैं मतलब? हाँ हो गया, कहाँ रह गया? देखो, अरे यहाँ देखो सर, यहाँ यहाँ रुपए दे देना। जी मैम साहब। अरे सर आया, अरे ए, ए, अरे अरे हूँ करो छो, हूँ लटकी रहे छो, अरे उतारो मने, अरे 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 सांभळो छो, अरे रुको, अरे मैं फंस गया हूँ, कोई उतारो, अरे बचाओ। जगह तो यही बताई थी, कहाँ गया वो? फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर से ट्राई करो। यार सिनू, आयशु का नंबर नहीं लग रहा है। ट्रेन में है ना, सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। ब्रदर्स पुरानी बातों को भूलकर एक नई टीम बनाते हैं। वो सब गया भाड़ में, पहले हमारे पैसों का हिसाब कर दो। मैं पैसे कहाँ से दूँ? हीरे तो इसकी गर्लफ्रेंड के पास है, बल्कि तुम दोनों मुझे उधार पैसे दे दो। क्या बोलता है पार्टनर, क्या कर? हिसाब कर दे। ठीक है, तुम भी हमारे साथ काशी चलो। वो तो मैं चलूंगा ही, ये लो फ्लाइट टिकट्स। अरे फ्लाइट, क्या बात है, थैंक्स ब्रो। ये तुम्हारा पर्स, तुम्हारे ही पैसों से बुक की है। मेरे पैसों से क्यों की? अरे भाई उन हीरो से हम करोड़पति बनने वाले हैं, टिकट तो क्या हम प्लेन खरीद सकते हैं, है ना? हाय करीना, हे। अरे आपका कौन सी जगह है बहन जी? इट्स अ हैपनिंग प्लेस, रात को 10 बजे की फ्लाइट है, तब तक यहाँ मस्ती मारेंगे। हम ये सब नहीं करना चाहते, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपनी गर्लफ्रेंड से खुश हैं। जिंदगी भर लड्डू ही खाओगे, बर्फी जलेबी ट्राई नहीं करोगे? सबको अपनी तरह समझा। मैं तो बस खाने पीने की बात कर रहा था। इतने बड़े मेंशन का मालिक सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए मेरे पास आकर इतना रो रहा है? इस मेंशन की मरम्मत करने के लिए जो पैसे लिए थे ना, वही तूने लूट लिए। गोद ले सकता? गोद बाद में लेना, पहले हीरे बांट लेते हैं। चल अगली क्लास अब शनिवार को होगी। नमस्ते। आशु राघु जल्दी से बात कर ले। हाय हाय। अरे इसे क्यों लेकर आए हो? वो मैं बाद में बताता हूँ। तुम्हारा फोन कहाँ है? वो चलती ट्रेन से गिर गया। गिरे हुए फोन पर इतने मिस कॉल दे रहा था? अच्छा वो हाथी दांत का है। कौन सा दांत? वही जो मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था। ओ, अच्छा हाँ, वो तो मैंने ट्रेन में फेंक दिया। क्या आशु, उसे वहाँ फेंक कर यहाँ डांस सिखा रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई आशु पर हाथ उठाने की? हीरो को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, तुम मुझे ही मार रहे हो? मैं क्या मार खा लूंगा?
मालिक, तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरे मालिक को मार रखा है। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, तू बीच में मत आ। तेरी तो आ। अरे ओठो ओठो, पुश पुश पुश, जा जा जा, अटैक कर अटैक, जा जा, तू पर जा, तू पर जा, रघु, सर, घुमाओ घुमाओ, मारो मारो, घुमाए न मारो, जरा से एकदम सही, बाबा, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अरे रुक क्यों गए, इतना अच्छा तो गेम चल रहा था, हम्म, सुनो तैयो, थाकी गया क्या? कौन है ये? होटल का कोई गेस्ट है क्या? नहीं नहीं, कोई पागल लगता है। यस, एकदम चौकस, ही इज द विनर। वैसे तुम दोनों ने भी अच्छा खेला। इसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। हेमा, क्या कह रही हो? मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होने के बाद ये सब कुछ भूल गया। ये कौन है, कहाँ से आया है, इसे कुछ भी याद नहीं है। 10 सेकंड के लिए इसकी याददाश्त वापस तो आती है, फिर ये सब भूल जाता है। पुलिस केस के डर से मैं इसे मेंशन लेकर आ गई। डॉक्टर के पास तो ले जाती इसे। सिर पर चोट लगना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन आराम करके ठीक हो जाएगा, ऐसा तुम्हारी दादी ने कहा। क्या दादी ने? दादी मेरी डॉक्टर है क्या? जब इसकी याददाश्त वापस आती है तब इससे पूछ सकते हैं ना कि ये कौन है। कहाँ पूछने देते हैं, देखो आ रही है, खुद ही पूछ लो। मैं यहाँ कैसे पहुँचा और तुम लोग कौन हो? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझा? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे से बच के रहना, नहीं तो मैं किसी को भी। हाय फ्रेंड्स, चलो चल के सब लोग गरम चाय पीते हैं। वेटर, एक 1/4 कॉफी। अरे बाप रे, फिर चली गई याददाश्त। अब ये ब्रेकफास्ट का ऑर्डर किसे दे रहा है? यही कर रहा है, याददाश्त आते ही 10 सेकंड में खुद ही सब बोल कर वापस भूल जाता है। इसके पर्स या फोन में से कुछ मिला क्या? बार बार कॉल आ रहा था इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इफ यू डोंट माइंड उसे लेकर आओ। या एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। तुम्हारे पास लाइटर ठीक है? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं भी क्या पीता हूँ। इसे ठिकाने लगा दो यार, इसे रखकर क्या करेंगे? इसे रखकर बहुत कुछ कर सकते हैं। रईस घर का लगता है महंगी वाली चेन और रिंग पहनी है, इसके फैमिली वाले इसे जरूर ढूंढ रहे होंगे। हमने इसे किडनैप किया है कहकर पैसे कमा सकते हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत है, मुझे इससे दूर रखना, मैं ये सब नहीं करूंगा। अपने पैसे वापस चाहिए ना। कैसे पोछा लगा रहे हो यार, सीधे सीधे कोई पोछा लगाता है क्या? क्रॉस में लगाओ। भक्स, सब लोग आँख बंद करके योगा कर रहे हैं, आँख खोलने में भी 5 सेकंड बाकी है, इतने समय में भाग चलते हैं। रहने तो भगवान जी पकड़ लेंगे। नहीं, भगवान पर भरोसा रखना, मुझे सब कुछ पता है। तुम अभी इनको जानते नहीं हो। इसकी बकवास से 5 सेकंड चले गए, चल जल्दी। तो फिर मैं चलता हूँ जी, वापस आता हूँ। बोल, ये तो दोनों तरफ रास्ता है, अरे किस तरफ से जाएं? इस तरफ से चलेंगे। अरे नहीं, इस तरफ से चलेंगे। तो फिर मुझसे पूछा है क्यों? रुको रुको, क्या हुआ? रुको रुको, ये देखो भगवान जी, इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ, इधर से चलते हैं। हे, ये हमें पकड़ने के लिए उन्होंने जाल बिछाया, भगवान पे भरोसा रख, फॉलो मी, कम ऑन। लगता है मेन डोर तक पहुंच गए। भगवान जी, भगवान जी, वहां मत जाइए, वो लोग वहीं पे हैं। तुझे कैसे पता? उनके कपड़े मैं ही धोता हूँ, डिटर्जेंट की खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलो ऊपर के रास्ते से गंगा नदी की तरफ से निकल जाते हैं। हे, मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से बोल रहा हूँ, तू बस मेरे साथ चल, यही सही रास्ता है। कम ऑन, आजा, चल चल चल, अरे चल, भगवान पर विश्वास रख, चल 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 चल, आजा। कहा था ना वापस आएगा। प्लीज ऐसे घूरिए मत, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। क्यों रे, कितनी बार समझाया तुझे कि ये गलत रास्ता है, तेरी ज्ञान दृष्टि गई भोड़ में। क्या? ए, मुत्तु कुमार का फोन है। हेलो, क्या घुमा रहा है, कहाँ है तू, मिलता क्यों नहीं? गुस्सा मत हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे कब्जे में है। तू कौन है? अरे तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुनो, तुम्हें जिसकी जरूरत है उसे मैंने किडनैप किया है, अब जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ पैसे लेकर आ जाओ। किसी के फोन को चुरा कर उल्लू बना रहा है, मुझ पर विश्वास नहीं है। बाय। भगवान जी, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारे दास से तुम्हारी धुलाई की है। अच्छा वो सोचो, देख वहीं दरवाजा दिख रहा है, चल निकल चलते हैं। सर, एक सेल्फी ले सकते हैं? यस प्लीज। हाँ तो जल्दी आ जाइए। हे, मैं यहाँ कैसे पहुँचा और तुम लोग कौन हो? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझा क्या? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझसे बच के रहना, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समझ पड़ी कि नहीं? हाय फ्रेंड्स, शू थयू, आओ आपने एक ग्रुप फोटो लाइए। सिनो, एक मिनट,
इसकी आंखों से पता चल जाएगा। इस तरह हमें भी नहीं पहचान पाएंगे। बोल कितने चाहिए? 5-5 टोटल 15 दे दो। 15 नहीं दे सकता, 10 करोड़ ले लो। 10 करोड़? अच्छा 10 ही दे सकते हो क्या? कोई बात नहीं, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। क्या क्या हुआ? लगता है बेचारे पर बहुत कर्ज है, सिर्फ 10 लाख ही दे सकता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों रख लेना। मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं। दोस्त कमाना चाहता हूँ। सर वो फोटो जरा देख सकता हूँ क्या मैं? किस लिए? प्लीज। सब तेरी वजह से हुआ है। कोई भी राह चलता आदमी मुझसे पैसे मांग रहा है। सर अच्छे रूम्स अवेलेबल है सर, एकदम फर्स्ट क्लास सर। मुर्गा मैंशन आकर देखा। मैंशन। सर मुझे सिर्फ एक आखिरी चांस दीजिए। क्या कर लेगा? इसे मैं आपके पैरों पर लाकर रख दूंगा सर। अबे तेज चला। गेम गेम। मैं जीता हूँ गधे। गलत लिख रहा है तू। मैं यहाँ कैसे आया और तुम लोग कौन हो? रुक जा, मैं बोलता हूँ। तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू एक बहुत ही बड़ा आदमी है। अगर तुझे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेगा, यही ना? करेक्ट। टाइम हो गया बैक टू मेंटल। अरे ये क्या है भाई, कोई भी गेम खेलो इसकी आंखों में हमेशा आप ही विनर होते हो। जा रहे पानी लेकर आ। अभी लाया। मैं पता नहीं कहां से आया बेचारा, हमारी पैसे कमाने में मदद भी कर रहा है और साथ में हमारा काम भी। चलो जल्दी सब। बम फटने पर जब हंगामा होगा ना तब भगदड़ में ऑडिटर को उठा लिए। क्या हुआ, बम फटा क्यों नहीं? ये क्या कर दिया इसने? बम इसे खंभा दिख रहा है क्या? ला दूसरा दे। एक ही बम था। हिट। सब लोग चुपचाप मेरे साथ आओ, शोर किया तो उनको पता चल जाएगा। होए, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो चलो चलो। ए सीनू, कहाँ छुप कर बैठा है? आ रहा हूँ मैं। इसकी क्यों चिल्लाता हुआ जा रहा है? मैं तो डर ही गया था। चुपचाप मेरे पीछे आओ सब लोग, आ जाओ। ओए सीनू, चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो आज तू गया। सीनू कोई बात नहीं, कल तक पैसे आ जाएंगे ना, उधार चुका देंगे। तुम भी ना यार, ये बात सेठ को पता चल गई तो सब कुछ बिगाड़ देगा। पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। सॉरी। आप लोग कौन है? गेस्ट है? रूम चाहिए? हमें वो चाहिए। मैं अभी आता। अरे सर आपको फोन मैंने ही किया था, आप इसे ले जा सकते हैं। पहले मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अंदर जाकर गिन लूंगा। और नहीं दिया तो मार डालूंगा। आज मेरे हाथ लग गया तो बचेगा नहीं तू। कुछ भी हो जाए आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे पहले तो इसे मार डालो, बहुत डिस्टर्ब किया इसने अब तक। मार इन सबको। मैं आज फाइट नहीं कर सकता, मेरा फास्ट है क्योंकि आज अमावस्या है। अमावस्या। निकलने में भलाई है यहाँ से। क्यों? अमावस्या को राक्षस बन जाता है। चलो यहाँ से। क्या भाई, इस चिंटू से डर रहे हो आप? क्यों भाई, क्या है? ओए सीनू, ये बौना कौन है? ओए सीनू कहाँ है बे? ए ऐसे क्या घूर रहा है? मारूंगा एक बस। ए पागल हो गया है क्या? गोरिल्ला की तरह मुंह क्या बना रहा है? दूर से तो डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन पास आकर तू क्या करने वाला है मेरे साथ?
अब इतना मारा कि मेरा चेहरा दीवार में छप गया। मामा सानू किसने बोला ऊपर देख आज तो पूर्णिमा है। अच्छा ये बात है पूर्णमासी हो। I am sorry bye। पटक पटक के मारा और सॉरी ऐसे बोल रहा है कि बस जैसे छू कर चला जा रहा हो। तेरी तो बेचारा अभी तक चिल्ला रहा है। आओ आओ आओ, आओ, आओ भाग चलो यहाँ से। अब ये क्या है? चलो चलो यहाँ से भाग चले। वो है कान तो बहुत मारेगा। चलो चलो भागो आ जाओ। लैपटॉप कहाँ है? पैसे? Hey, मार डालूंगा। ध्यान से सोच कर बता नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। ठीक है आओ दिखाता हूँ। ये क्या नौटंकी है? आप हिंदुस्तानी हो? नाइस मीटिंग यू। यादाश्त चली गई मुझे लगता है। यस यस। मिनिस्टर ने बोला था ऑडिटर की मनपसंद भिंडी की सब्जी बनानी है, इसलिए मैं भिंडी काट रहा था। लेकिन देख उसकी तो याददाश्त चली गई। फिर से पूछ ले कौन सी सब्जी बनानी है। भगवान जी आपकी नई नौकरी की लगन देख के मुझे तो रोना आ रहा है। देखने में आप बहुत स्मार्ट लगते हो। पहले फिल्मों में ट्राई करना, फिर राजनीति भी ट्राई कर सकते हो। बेल बज गई, बेल बज गई। जैसे ही मुझे मारने के लिए हाथ उठाया बेल बज गई। हेलो। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। मालिक हर जगह देख लिया, वो सूटकेस नहीं मिला, वो लड़के भी गायब हैं। क्या हुआ तुम लोग ऐसे भिखारियों की तरह क्यों बैठे हो? इसे तो फटे कपड़ों में घूमना चाहिए और ये हमें बोल रहा है। पागल गंडा कर रहा है। क्या हुआ? वो तो हमें पागल बोल रहा है। अरे तो उसमें क्या बुराई है? सर तुम्हारी वजह से। मारना मत कर मुझे। तुमने भी इसका साथ दिया था ना, अब देखो क्या हुआ। सब कुछ छोड़कर यहाँ पे खड़े हैं हम लोग। सीनू मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। सीनू उस दिन तुमने ही ओके बोला था ना, अब इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मत बोलो। लड़ो मत यार, चोरों की टीम में भी एकता जरूरी है। हम बार बार फेल होते हैं इसी वजह से। ओए खबरदार जो हमें चोर बोला अच्छा नहीं होगा। भले ही हम सब एक टीम में है लेकिन तेरे जैसे फ्रॉड नहीं है। ओ अच्छा तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं चलता हूँ। बाय बाय। रुक, सब कुछ बिगाड़ के कहाँ जा रहा है? इज्जत से उस मिनिस्टर को भी फोन कर और उसको बोल किसकी वजह तू है, हमें इस चक्कर से निकाल। चुप जा भाई, रुक जा रुक जा। जीजा जी एक मिनट। हाँ क्या हुआ? लगता है आपको पकड़ने के लिए विजिलेंस वालों ने एक नई टीम बनाई है। कोई लेडी ऑफिसर लीड कर रही है, कहते हैं बहुत सख्त है। अच्छा ठीक है उसके साथ एक। हेलो हेलो, मिनिस्टर को अटैक है, जल्दी से पुलिस लेके आ जाओ भक्त। ये क्या, अटैक आने पर एम्बुलेंस को बुलाते हैं? ये तो वो स्वामी है। हे स्वामी, तुझे अभी तक छोड़ा नहीं क्या? आवाज सुन के ही आपको पहचान लिया, लगता है कोई बहुत बड़ा भक्त होगा, हमें बचाने के लिए बोलो ना। अबे गधे, गुरुजी आप कहाँ हो, कैसे बोलता तो वो भक्त होता ना। लेकिन इसने बोला तुमने अभी तक नहीं छोड़ा, इसका मतलब हमें यहाँ पहुँचाने वाले का फोन है। हे तू एक बार मेरे हाथ लग जा, देख मैं तेरा गला दबा दूंगा। हाँ। देख ली ना तूने भगवान जी की पावर। अबे तू ये क्या कर रहा है, ऐसा बोल के उसको भड़का रहा है? तो चले। हाँ। आओ। ये आवाजें कैसी? किसको मार? हेलो हेलो, बोलो। पहले सॉरी बोलना। सर नमस्ते। सर मैं आपकी तरह नहीं, मैं एक छोटा सा चोर हूँ, मुझे पता नहीं था वो आपका आदमी है। वरना सुनो, वो मेरा आदमी नहीं है, उसके पास एक सूटकेस था, बस मुझे वो चाहिए। तुम उसे लेकर आ जाओ तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, वरना सब मारे जाओगे। अब ये सूटकेस कहाँ से आ गया? याद आया, उस दिन उसके हाथ में एक सूटकेस चेन से बंधा हुआ था। तब मेंशन में कौन कौन था? मेंशन कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, वहाँ पर दादी बहन और हमारे कुत्ते के सिवा कोई नहीं था। कुत्ता मतलब शुगर। हेलो वो सूटकेस हमारे पास ही है, मैं कुछ देर में फोन करता हूँ। ठीक है मैं इंतजार करूँगा। हाथ के लिए फंस हो गया। चलो मारने में मजा आ रहा था। भगवान जी ये लोग हर बात में कपड़ों की तरह होते हैं। वो फोन पर था, ये लोग खाली खड़े बोर हो रहे थे ना, समझा करने यार। वैसे एक बात है, वो सफेद दाढ़ी वाला तो पहले से भी ज्यादा कड़क मारने लग गया। मैं मार खा के भी खुश होने लग गया। चला एक दूसरे को मसाज करते हैं। शुगर सारा सामान चोरी करके यहीं पर लाकर रखता है। अच्छा सूटकेस भी यहीं कहीं होना चाहिए, काफी डरावनी जगह है। अरे मेरे पाउडर का डब्बा, मेरा परफ्यूम, सिनो क्वार्टर की बोतल भी है। ये कैसा कुत्ता है यार। सूटकेस मिल गया। हेलो सूटकेस मिल गया, पहले पैसे दो फिर सूटकेस लेकर जाना। पहले तुम सूटकेस दोगे, पैसे बाद में।
तुम सूटकेस लेकर भाग गए तो, और अगर तुम पैसे लेकर भाग गए तो एक काम करते हैं, दो टीम बनाते हैं। एक टीम विष्णु घाट पर पैसे देगी और उसी टाइम पर दूसरी टीम गंगा घाट पर तुम्हें सूटकेस पहुंचा देगी, ठीक है ना? ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। ब्रिलियंट, ये बहुत जरूरी सूटकेस है, इसे तुम दोनों ले जाओ, कैश मैं लेकर आता हूं। क्या आइडिया है यार, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ये सूटकेस तू लेकर जाएगा और पैसों का बैग हम लेने जाएंगे। वहाँ बहुत पंगे हैं यार, मेरी बात सुनो। संभाल लेंगे, ये सूटकेस ले और चल। मेरी एक कंडीशन है, मेरे आने के बाद ही बैग खुलेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। भगवान जी, हमें ऐसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, ये देखो मोबाइल। हमारी कोई धर्मशाला में फोन लगा, वो सब बेकार है। हमारी जो हालत है ना, उसका ही वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देते हैं, बहुत पब्लिसिटी मिलेगी और सहानुभूति मिलेगी। भक्त, हमारे भगवान जी की हालत देखो, मंत्री धर्मराज के आदमियों ने इनकी सांड जैसी शक्ल को कुत्तों की तरह मार मार कर सुअर जैसी बना दी। अगर यहाँ से किसी ने नहीं बचाया तो हमारे गुरुजी आत्महत्या कर लेंगे। मैं आत्महत्या क्यों करूँगा? अब देखना, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह हम ही दिखाई देंगे। ये घूमता ही जा रहा है। सॉरी भगवान जी, लगता है नेट पैक खत्म हो गया है। फिर से बोल रहा हूँ, धर्मशाला में फोन लगा। अरे रे रे, बैलेंस ही खत्म हो गया है, आउटगोइंग नहीं जा रही है। हमारे भगवान जी की हालत देखो, मंत्री धर्मराज के आदमियों ने इनकी सांड जैसी शक्ल को कुत्तों की तरह मार। इतनी दिक्कतों के बीच भी ये दोनों गधे कॉमेडी करते रहते। बंद करो ये खिड़की। वो जगह देखी है ना, सूटकेस लेकर मुझे फोन कर। सब लोग कहाँ जा रहे हो? दिवाली के लिए कपड़े लेने। मारा माटे मार कच्चा ले आओ जो। अरे खोलो। खिड़की से केवी आवाज आ रही है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको कपड़े नहीं लेने? अरे तुम दरवाजा खोलो ना। ओके, अभी खोलता हूँ। सुपर। अरे मेरे भाई, तुम ही भगवान हो। वो लोग मेरे को कच्चा दिलाएंगे, तुम पटाखे दिला देना। दिवाली। थैंक यू। मैं तुझे आइटम बम दिलाऊंगा घर पे फोड़ना। इन लोगों ने हमें बहुत तगड़ा धोया ना, अब इनको दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। आजा। चलिए भगवान जी। हेलो, बस 3 मिनट बाकी हैं। ओके, गेट रेडी। ओके। हेलो। तुम पहुंच गए ना? हाँ पहुंच गए जीजा जी। टाइम हो गया। जाओ रख दो। चलो चलो। यार रघु, 10 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा बैग लेकर आए हैं? लगता है सारा पैसा ये चिल्लर में ला रहे हैं। उसने सूटकेस रख दिया है, अब बैग रख दो। ओके, रख दो। हेलो, पैसों का बैग रख दिया है। ठीक है, ले लो। ओके। अरे पकड़ो उसे। कौन था वो? क्या हुआ? सूटकेस दिखाने के लिए रखा और फिर अपने आदमी से उठवा लिया। गणेश, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, निकल यहाँ से। रुक रुक। अरे भाग भाग। हेलो जीजा जी, उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी, लैपटॉप हाथ नहीं लगा। सूटकेस नहीं मिला। सूटकेस नहीं मिला। क्या बोल रहे? तेरे पास पैसे आने वाले, ऐसा मेरी बेटी ने बताया था। मेरा मूल और ब्याज सब इसी में पूरा। ससुर जी, ये मेरे पैसे नहीं है, हम सबके हैं। ए ससुर बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। आज के बाद इस पैसे के साथ साथ मेरी बेटी को भी भूल जा तू। भाई भाई, इस तरफ कहां गए बोलो? पता नहीं भाई, चलो। छोड़ तो ससुर जी। हेलो, सूटकेस उठाकर कोई भाग गया, तुम दोनों वहां से निकलो। छोड़ दो। जाकर पकड़ो उन्हें। छोड़ दे, ये बैग इसके पास छोड़ दे और चल।
जल्दी करो। मैं कह रहा हूँ ना निकल यहाँ से। लेकिन छोड़। चल जल्दी बोलो गाड़ी। छोड़ बोलो ना। छोड़ चल। सिनु सिनु। हाँ सेठ जी अपना हिसाब पूरा हो गया। चल जा। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। सबको मैं सिखाता रहता हूँ और ये मुझे सिखाएगा। ये सफेद जोकर लोग कौन है भाई? कहाँ है मेरा लैपटॉप? कौन सा लैपटॉप? तेरा ग्रुप जो लेकर भागा है वो लैपटॉप। बुला अपने ग्रुप को। मेरा तो व्हाट्सएप पे एक ही ग्रुप है भाई। All my schoolmates, सब बुजुर्ग हो गए हैं। आने में टाइम लगेगा, चलेगा क्या? Hey, 10 करोड़ रुपए लेकर भागने वाला तू है क्या? 10 करोड़ रुपए? हाँ। ये तो बेहोश हो गया। अरे इसे होश में ले गया। भगवान जी मिल गया क्या? तू बस देखता जा मैं क्या करता हूँ। अब मैंने दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। हे कहाँ से मिला बे? मंदिर से चुराया। आधा मुझे देना। मार कर लोगों को बेहोश करते देखा है, लेकिन मार कर होश में लाते पहली बार देखा है। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? तुझे जो लैपटॉप देना था कहाँ है? मुझे देना था? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है सर। उस कमीने ने एक बार फिर से मुझे फंसा दिया। किसकी बात कर रहा है तू? वो तेरा ही तो आदमी है। वो मेरा आदमी नहीं है सर, मेरी बेटी का दोस्त है। ए, उदास क्यों हो रही है? अब तक तो उन्हें पैसे मिल भी गए होंगे। अरे पैसों की बात नहीं है यार, तेरी और सीनू की लाइन तो क्लियर है, लेकिन रघु को मेरे पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ए, पापा बात करना। पापा? आयुषु बेटा, तेरी और रघु की शादी करवाने का फैसला मैंने कर लिया है, उसे तुरंत मुझसे मिलने के लिए भेज दे बेटा। मुझे आप पर विश्वास नहीं, कॉमेडी बंद कीजिए। कॉमेडी करने की कंडीशन में नहीं हो बेटा। अरे बाप रे, उसे फोन करके तुरंत बोल दे कि मेरी दुकान पर आ जा, जितनी जल्दी हो सके बोल दे बेटा। सच बोल रहे हैं? तेरी शादी का समय आ चुका है, एक हफ्ते में शादी करनी होगी, इसके बाद 3 साल तक शुभ मुहूर्त नहीं है, पंडित ने ऐसा बोला है बेटी। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच, लव यू। ऐसे टाइम पर किस दे रही है? मेरे पापा शादी के लिए मान गए। Yes, वो जरूर आएगा। जितना आपने मुझे धोया है उसका 2 गुना आप उसे धोना, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। पापा, आयशु की आवाज आ गई। पापा, अरे बेटी पापा? तुम अकेली क्यों आई हो? आपने गुड न्यूज दी इसलिए मुंह मीठा करवाने आ गई। रघु कहाँ है? उसका फोन नॉट रिचेबल है पापा। मर गया लगता है, पूरा प्लान खराब हो जाएगा मेरा। अरे क्या मतलब अंकल? उनसे पूछो, वो सब बताएंगे। केस झमेले में फंसा दिया हमें तूने। हिमा फोन कर रही है। सीनू प्लीज हमें बचा लो। चलो सीनू, इन लोगों ने पकड़ कर रखा है। सीनू प्लीज पकड़ो। सीनू सीनू मेरा फोन दो। तुम दोनों की गर्लफ्रेंड मेरे कब्जे में है, अगर वो सूटकेस मुझे नहीं मिला तो इन दोनों को मारकर गंगा में फेंक दूंगा। ऐसा कुछ मत करना। हेलो, 1 घंटे में हम काशी रेलवे स्टेशन पर सूटकेस के साथ मिलेंगे। रेलवे स्टेशन पर क्यों? क्योंकि भीड़ वाली जगह हमारे लिए सेफ है। ठीक है आता हूँ। हेलो हेलो, ये क्या सूटकेस का कुछ आता पता नहीं, उन्हें वापस कहां से देंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। हमें नकली सूटकेस बनवाना पड़ेगा। नकली? कहां से? वो काशी में कहां बनवाना है मुझ पर छोड़ दो, हम स्टेशन पर मिलते हैं। टीसी स्टेशन मास्टर दुकानदार सबको ठिकाने लगा दिया है ना? सबको ठिकाने लगा दिया है जीजा जी। भाई सोचा था स्टेशन पे भीड़ होगी, यहाँ तो एक जानवर भी नहीं दिख रहा है। 4 बजे आने वाली ये ट्रेन काशी के लिए लास्ट थी, इसके बाद कल सुबह की ट्रेन है, ये जाने बिना वो यहाँ आकर फंसने वाला है। फंसने वाला वो नहीं तू है। तू यहाँ क्यों आया? देख नहीं रहा क्या, तुझे बदला लेने आया हूँ मैं। मैं पहले से ही टेंशन में हूँ, यहाँ से निकल ले। तुझे जो सूटकेस चाहिए वो मेरे पास है, ये देख। हाँ? बोल, कितने पैसे चाहिए? तुझे खरीद सकता हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास। तेरे आदमियों ने मेरी बहुत बुरी धुलाई की है, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे 5 बार जम के मारूं। मुझे लैपटॉप चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात बताना भूल ही गया मैं, सूटकेस मिलने के बाद आप मुझे कुछ भी नहीं करोगे। हैं? हाँ ठीक है। आजा। ए, सफेद दाढ़ी चल अपने आदमियों के लेके पीछे जा। चल चल अपने भगवान को याद कर ले। जल्दी मारना। क्या शरीर हो रहा है ना? नीचे झुक के पैर छूले सही हो जाएगा। थक गया होगा ना, जा जाके बैठ जा।
वहाँ मत बैठ, वहाँ रिस्क है, थोड़ा साइड में बैठ। ए, दबाओ। अच्छा मेरी बात नहीं मानेगा, ठीक है। जिंदगी भर तुझे याद रखूंगा मैं। वो सब छोड़, चौथी मार तेरी मर्जी की, पांचवी मार मेरी मर्जी की, बोल कहाँ मारूं। जीजा जी पीछे मारने को बोलो, वहाँ दर्द कम होगा, मांस ज्यादा है ना। नहीं भाई, हाथ पर मारने को बोलो, स्कूल में टीचर मारती थी ना, बिल्कुल दर्द नहीं होता था। ले हाथ पे मार। अब सिर्फ तुम मुझे ही नहीं, इसको भी याद रखेगा। हेलो डॉक्टर, सिर्फ एक ही मार बाकी है, तू जल्दी से सूटकेस लेके आ जा। अभी आया भगवान जी। अरे बाप रे, गिरा दिया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? स्वामी के भक्त, अब गुरु चेला दोनों रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लग गए। भीख कौन मांगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पागल हो गया है क्या? इसे देकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को छुड़वा दो, मेरा कोई काम नहीं है। मैं शुरू तूने किया था, खत्म होने तक तू यहीं रहेगा, चल चुपचाप। आखिरी मार है, थोड़ा रहम करना। रहम करूं तो ठीक है, ये ले। भगवान जी मैं आ गया। भक्त सूटकेस इधर भेज। ले लीजिए। लगता है मेरी समाधि बनाने के लिए ईंटें साथ लाए। If you don't mind, something is wrong. मैं पूछ कर आता हूँ, okay? यमराज आ जाइए। हम जो ईंट लाए थे वो वहां पर है, फिर इसमें क्या है? देखो, ये तो वही लैपटॉप है। लैपटॉप? सर, लैपटॉप हमारे पास है। मैं आपको सूटकेस देता हूँ, आप हमारे लोगों को छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो इन्हें। कहाँ है? अब ये कौन है? पीछा करो। रखो। एक को भी मत छोड़ना, सबको मारकर सूटकेस ले आओ। अरे चलो निकलो यहाँ से, चलो। क्यों आ रही है? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मारना है मार लो, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, शुगर है मुझे। क्या कहा? मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा।
यहाँ से भाग चलते हैं। शर्म नहीं आती भगवानों के, भाग रहे हो? hey, मैं उसे 5 बार मार चुका हूँ ना। मैंने तो नहीं देखा ना, मेरी आंखों के सामने उसे मारो, वो देखो वो है, उसे जाके मारो, जाके खत्म कर लेते। अबे उठना। अरे पहले तुम उठो, मेरे अलावा भी कभी किसी को मारोगे? मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ से निकल चलते। ये हुई ना बात। अरे वैसे लगता है सच में मारा। कैसा लगा भाई? रुको, वो मुझे दो। नहीं दूंगा। सूटकेस नहीं दिया तो सर फोड़ दूंगा। चल मार कर दिखा। मैं कभी भी ऊंचा नहीं सोचता, मेरी सोच नीची ही है, मुझे अपनी औकात पता है। ए, 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 अरे रुक। शांति, ओम शांति। इस टीम में सबसे बुजुर्ग आप ही लगते हैं। पक्का आपको भी शुगर होगा मेरी तरह। थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ खा कर आ जाते हैं। मेरा सर फट रहा है। क्या? मेरा सर फट रहा है। तू मेरा सर फोड़ेगा? बोल तो सही रहा हूँ, लोग गलत सुन रहे हैं। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? यहाँ कोई नहीं। अरे सब आ जाओ। सबको क्यों बुला रहा है गधे? सबको पता चलना चाहिए कि मैंने सूट केस पकड़ लिया। सूट केस नहीं, तूने मेरा अंडरवेयर पकड़ा है। देखा, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो दोनों तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ए, छोड़ दे बे। तू छोड़ ना, मेरा सर घूम रहा है, छोड़ दे। इसे मिलाकर पूरे 50 चक्कर हो जाएंगे। इतने चक्कर मार के क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या? छोड़ दे, किसी को भी मत छोड़ना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सूटकेस मिल गया। इतनी जोर से मत चिल्लाओ सर, कहीं डर से मेरा सुसु ना निकल जाए। अगर निकल गया तो आप ही पछताओगे। सूटकेस छीले। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। अब देखना मैं इसे कैसे इस चाकू से खत्म करता हूँ। मुझे सूटकेस चाहिए। क्या भगवान, चाकू को ऐसे मारते? चाकू ऐसे मारते हैं? अभी आपको समझ में आया ना? अरे मैंने उस पर निशाना लगाया था। निकम्मे हो सब। पहले बोलना चाहिए था ना, मैं उसी को मारता। क्या भगवान, अपने चाकू को क्यों पकड़ लिया? मैंने पकड़ रखा है क्योंकि तू बहुत गुस्से में था। तेरी वजह से उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए तेरी सेफ्टी के लिए। सुपर भगवान जी। यहाँ सब लोग इतनी टेंशन में, तू टाइम पास कर रहा है? सबके सब मुझे ही धो रहे हैं। क्या कहा? क्या मार खाने की वजह से लगता है मेरी आवाज चली गई है और मैं लोगों से बेवजह में खाने की भीख मांग रहा हूँ। क्या?
ये जूता देख रहे हैं, इससे लेकर के आप मुझे चप्पल खाने के लिए मांगा था, बनाने के लिए नहीं बोला था, मुझे आइसक्रीम बना दिया। जल्दी करो कमल, कमल। आई एम नंदिता फ्रॉम सीबीआई। इतने दिनों से मुझे जिस मुजरिम की तलाश थी उसे आज मैं पकड़ने वाली हूँ। इंस्पेक्टर। यस मैम। गणेश, तुम्हारे ऊपर 40 फॉर्जरी केसेस हैं। मैडम, ये सूटकेस मेरा है। मुजरिम के हाथ की चीज नहीं दे सकती। इंक्वायरी खत्म होने के बाद हेड ऑफिस से ले लेना। एक्सक्यूज मी, ये हाथी का दांत इनके दादाजी के हाथी का है, प्लीज ये इन्हें लौटा दीजिए। दादाजी, ये यहाँ कैसे आया? यकीन नहीं होता यार। ए, ऐसी टाइम पास वाली फिल्मों में ऐसे ही होता है समझा? कल दोपहर को आऊंगा, मेरा हिस्सा रेडी रखना, ठीक है? यार रघु, ये तो बोल रहा है कि कल आएगा। वो छोड़ यार, ये तो जेल भी ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक जा रहा है। अबे रघु, उनके हाथ तो देख। आई एम नंदिता फ्रॉम सीबीआई। अरे यार, उसने जो दिखाया वो उसका आईडी कार्ड था ही नहीं, उसका आधार कार्ड था। आधार कार्ड? हेलो धर्मराज जी, सूटकेस मेरे पास है। हमने रेट बढ़ा दिया है। पूरे 15 करोड़ देकर सूटकेस ले जाना। बाय। ए, अरे पकड़ो उन्हें। जल्दी चलो, रुक जाओ। भक्त भगवान जी, मैं अगले राउंड के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, जगह तैयार रख। हमने मुर्गा मेंशन में चलते हैं। तू चल हमारे साथ। क्यों? किसी का मर्डर करना है मुझे। तुम्हें क्रिकेट खेलना तो आता है ना? नहीं आता। आ तो फिर चला चलो। भगवान जी, वो बहुत बड़ी जगह है, साफ करने में कई महीने लग जाएंगे। 4 किलो डिटर्जेंट, 10 नए झाड़ू, 5 बोतल गुलाल, 1 दर्जन। ठीक है।